पर था अर्ध पक्का वे परवरम अक्षराते धाम के धनी लालदास जी के माध्यम से पांचवें दिन की लीला की हकीकत बयान कर रहे हैं। इस प्रकार जब प्राणनाथ जी औरंगाबाद पहुंचते हैं, राजा भाव सिंह के सामने पुराण की बात रखी और बताया कि जो ज्ञान जो बातें हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, वही बातें कुरान में भी लिखी हैं। हम सत्य ज्ञान को जाहिर करके विश्व एकता का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन औरंगजेब और उनके दरबारी, उनके साथी सब अपने सत्ता के जोर पर इस ज्ञान को ढांप रहे, इस ज्ञान का प्रचार होने देना चाहते नहीं हैं। इसलिए हमको आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप औरंगजेब बादशाह के विरुद्ध तलवार उठाइए, धर्म रक्षा के लिए तत्पर हो जाइए। तो राजा भाव सिंह ने कहा, औरंगजेब के खिलाफ मैं तलवार उठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन कुरान की बातें मेरे समझ के बाहर हैं। तो मेरे दरबार में 4 मुस्लिम कर्मचारी हैं, उन्हें आप समझाइए, यदि वे आपकी बात को मान गए तो फिर मैं औरंगजेब बादशाह के खिलाफ तलवार उठाने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन ये तलवार व्यर्थ की लड़ाई के लिए नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए। औरंगजेब अपने सत्ता के जोर पे और उनके दरबारी खासतौर पर जहरी रूप से दिखने में लगता है कि औरंगजेब तो राम के दरबारी कर रहे, लेकिन हम देखेंगे इतिहास में वाणी में हरिद्वार ढाए तब बस बंदी करके तापर खलक चलाए, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, उस पर आम आदमी को सबको पब्लिक को चलाया, जिस सड़क पर मूर्तियों को तोड़कर सड़क में फैला दिया उस पर सबको चलने के लिए गए। इस तरह से गोवध किया कई विघ्न आदि, सारे दोष किसके ऊपर जाते, क्या दरबारियों ने सारा किया? और प्राणनाथ जी भी जो संदेश पहुंचाया, 12 मोमिन भी संदेश देने गए और उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, क्या सिर्फ कोतवाल और सिर्फ कजियों का दोष है इसमें? और उनके बादशाह का भी दोष माना जाएगा इसमें, क्योंकि वो चाहता तो इतना कष्ट नहीं आता, फिर भी धाम धनी की कृपा से कष्ट तो हुआ। यहाँ पर क्या कहते, मैं तब बांधो तलवार साहसों, यदि मेरे 4 काजी दरबारी मान गए कि ये अब जो कुरान की बातें कह रहे हैं उसके हिसाब से क़यामत की निशानियाँ, इमाम मेहदी का आना और खुदा परमात्मा के विषय में जो बातें कह रहे हैं मेरे 4 मुस्लिम कर्मचारी मान गए, तो फिर मैं औरंगजेब के विरुद्ध तलवार लेकर के खड़ा हो जाऊँ। लोग तलवार उठाने के लिए कहा गया ग्रंथों में, लेकिन किस लिए कहा गया? धर्म की रक्षा के लिए, तलवार के जो मुसलमान बनाने के लिए तलवार उठाने के लिखा है। कुरान में क्या लिखा? धर्म में जबरदस्ती नहीं होती। 4 जो मुसलमान थे उनमें से पहले अव्वल खान आ गए। अव्वल खान तो पहले ही उदयपुर में ही प्राणनाथ जी के चरणों में समर्पित हो चुके थे, ईमान ला चुके थे, तो पहला काम तुरंत हो गया। फिर उन्होंने मिहिन खान को लाया, मिहिन खान भी 2-4 दिन चर्चा सुनकर प्राणनाथ जी पर ईमान ले आए। ये प्रसंग आपने कल सुना था। अब तीसरे नंबर पे आते हैं जहान मोहम्मद, जो कि कुरान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अरबी फारसी के जानकार थे, यहाँ तक कि सिर्फ कुरान नहीं तमाम तफसीर याद है, यानी जितने भी विद्वानों ने कुरान की व्याख्या की है उस सब की व्याख्या भी याद है उनको, कि किसी विद्वान ने इस विषय में ये विचार व्यक्त किया, किसी ने अपना ऐसा इरादा जो उसमें किया है, तो अलग अलग व्याख्याएं भी होती हैं। आयत तो एक ही रहती है, जैसे चौपाई एक ही है, अर्थ अलग अलग तरीके से हो जाते हैं, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती, सभी धर्मों में इसमें होता है ऐसा। गीता की अनेक प्रकार की व्याख्याएं हैं, भागवत की देखिए वल्लभी टीका आता है, इस तरह से कुरान में भी बहुत सारी व्याख्याएं। तो किसी विषय में जब विचार आता है तो
उसमें देखा जाता है कि इस विषय में, इस आयत के विषय में किसका किसका क्या विचार है। जैसे कि हम देखेंगे मेराज में मोहम्मद साहब ने खुदा का दीदार किया, इस विषय में बहुत सारे विद्वानों की बहुत सारी विचार आ जाएंगे, बहुत सारी राय, उनका अपना अपना मंतव्य अलग अलग आ जाएगा। किसी ने बोलेगा कि खुदा दीदार नहीं किया, किसी ने बोलेगा कि दिल से दीदार किया, किसी ने कहेगा कि दिल से भी किया और शरीर की आंखों से भी किया, दोनों से किया। तो इस तरह से बहुत विचार आ जाते। किसी ने कहेगा कि खुदा का नूर देखा, किसी ने कहेगा दो पर्दे में थे कुछ नहीं देखा। तो जब कुछ स्वरूप ही नहीं है खुदा का, तो पर्दे की जरूरत है, और स्वरूप नहीं है तो सिंहासन की क्या जरूरत है। खुदा अपने अर्श पे विराजमान हुआ लिखा है, तो अर्श का सिंहासन लेते हैं, सिंहासन जब स्वरूप ही नहीं तो सिंहासन की भी क्या आवश्यकता। तो इस तरह एक एक विषय बहुत सारी राय हो जाती है। हम देखेंगे अलग अलग गायें हैं, शियाओं की अलग टीकाएं हैं, सुन्नियों की अलग टीकाएं हैं। तो विद्वान वो होता है सबका विवेचना क्या, सबका समीक्षा क्या, सबकी बातें सुना हो किया, एक ही सुनने वाले क्या है, एक ही बात सुनना, एक ही जगह जाना और एक ही का विचार। गलत भी बोल रहा, सही भी बोल रहा, लेकिन आपको बिना सुने आप सबको गलत कैसे कह सकते। वो वाणी मंथन किए बिना पर था पक्का, अब अर्ध पक्का जा चलता है आधा, थोड़ा सुने और सुनिए नाराज होना, झगड़ा करना। कोई बात जो है आप जानते नहीं, उसके लिए झगड़ा करना शुरू हो जाते हैं। आजकल इस्लाम खतरे में है, झगड़ा करना शुरू, जिस विषय में जानते ही उस विषय में झगड़ा करना। नहीं ना बात, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तुम क्या जानते हो। तुमने भीड़ को देख करके जो ज्यादा संख्या में लोग जिसको सही बोल रहे हैं उसको आप सही समझ रहे हो, ये तो सत्य असत्य का निर्णय का आधार होता नहीं है। सत्य की भाषा क्या है, सत्य आचरण करना कहते हैं सब। सत्य की परिभाषा है जो मैंने दिल में समझा है सत्य, उसी को से बोलो। देखा कि बोलने को सत्य आचरण नहीं कहते। हम इसे ने कहा कि फलाना व्यक्ति खराब है पानी, तो मुझे मारा आपने अपने दिल से, किसी में जानते नहीं थे कि वो अच्छा है कि बुरा, मुझे क्या मालूम, तो नहीं मालूम है तो नहीं मालूम कह दो। लेकिन सब कह रहे हैं इसलिए आप भी उसको बुरा कह रहे हो, या तो आप दिल से जानते हो कि वो अच्छा है लेकिन आप सबके सामने उसको खराब कह रहे हो, तो अपनी नजर में झूठे हुए कि नहीं हुए। बेहतर तो खुदा जानता है बाकी, लेकिन अपनी नजर में तो झूठे हो गए ना। ये सबसे बड़ी असत्याचरण, सबसे बड़ा असत्याचरण। अब क्या जो है वर्णित करना, किसी का समीक्षा नहीं करना चाहिए जल्दबाजी में, मंथन करो, जानो, फिर उसने समीक्षा। किसी ने कुछ कहा कि कौन सत्य है कोई असत्य है, वो अच्छा है वो बुरा, ये सही कह रहा है वो गलत कह रहा है, सम्मान सुंदर साथ यदि वाणी मंथन नहीं किया है, स्वयं का एक विचार शीलता नहीं है, स्वयं का मंथन नहीं है, तो दूसरे की बातें सुनकर के विरोध नहीं करना। तो अर्थ पक्का था देखेंगे लिखा है भी और नहीं भी लिखा है, समझने वालों के लिए लिखा भी है और अलग अलग तरह की व्याख्या लोग करते हैं उसकी। लिखेंगे सूरह नज़्म 53 में क्या लिखा है, आयत नंबर 1 से लेकर के 13 तक देखेंगे। उसमें स्पष्ट रूप से कह दिया, और वह अपने बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था। मेरा समय जब आगे बढ़ते बढ़ते आसमान बरी के सबसे बुलंद किनारे पर, बुलंद सबसे ऊपरी किनारे पर,
और वह जलवा नजदीक हुआ और उस जलवे और उस महबूब का दो हाथ का करने दो दो कमान का फासला रहा भी, दो कमान या दो हाथ का फासला रहा, बल्कि उससे भी कम, अरे उससे भी कम है, दो हाथ भी ज्यादा कह दिया कह रहे। और दिल ने झूठ ना कहा जो देखा, जो देखा उसके विषय में झूठ नहीं कहा मामा साहब ने, और उन्होंने वह जलवा दो बार देखा। अब इसी का लिखा, ठीक है, अनुमान लगाने वाले क्या करे, दो बार देखा लेकिन दिल की आंखों से देखा। किसी की हदीसों में या किसी विद्वान ने लिखा कि उसने दिल की आंखों से भी देखा और माथे की आंखों से भी देखा, माथे ने शरीर की आंखों से भी देखा। किसी ने कहा कि शरीर की आंखों से देखा, किसी ने कहा कि नहीं देखा, और देखा तो क्या देखा, तो लेकिन नूर देखा। तो नूर क्या है, खुदा का नूर देखा। तो खुदा और नूर तो अलग नहीं, कुरान में भी खुदा को निराकार नहीं कहा, लेकिन एक अनुमानित ज्ञान हो जाता है। लोग हमारे जैसा शरीर नहीं हो सकता, वो बहुत पाक है, पवित्र नहीं है, बिल्कुल हमारे जैसा शरीर नहीं है, ये तो पांच तत्व का शरीर, मन का शरीर है, वो खुदा का स्वरूप ऐसा नहीं होता, वो शुद्ध सकल स्वरूप है। लेकिन समझिए, पेड़ है भी छाया है, बिना पेड़ के छाया भी होता है। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिनिधि के रूप में बनाया। कुरान में लिखा है आदम शरीउल्लाह, कहां जाओगे, ये भी झूठी बात है। सात कलमे वाले पैगंबर में पहला है आदम शफीउल्लाह, खुदा जैसी सूरत वाला आदम। यदि खुदा की सूरत ही नहीं है तो खुदा ने परछाई कहां से खाई, और फिर उसका पुतला बनाया, उस पे जान डाल दिया, उसका नाम है आदम। इसलिए आदम को कहते हैं खुदा जैसी सूरत वाला, खुदा की परछाई से करके आकृति बनी है। और हिंदू ग्रंथों के हिसाब से, वाणी के हिसाब से देखेंगे तो जैसा स्वरूप राज जी का है वैसा अक्षर वर्ण का, जैसे अक्षर वर्ण का है वैसे अव्याकृत का, और वैसा स्वापनिक स्वरूप आदि नारायण का। तो खुदा जैसी सूरत वाला पहला शख्स होने से उसको आदम शफीउल्लाह कहा, उसी को आदि नारायण हिंदू ग्रंथों में कहते हैं। तो वो नाराज होकर के वहां से चला जाता है, और क्योंकि इतना बड़ा विद्वान था, लेकिन आज तक सबको कहता था कि खुदा निराकार है, निराकार है। अनुमान से या एक परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहा था बात। तो इस तरह से ये परंपरा जो है, तालीम परंपरा में क्या होता है कि जो सिखाया जाता है बहुत सारी बातें, वो सिखाया जाता है वैसा वैसा बोल देते हैं, अपनी समझ होती है तो क्या करते हैं, जो सिखाया गया वैसे ही बोल देते हैं। लेकिन खुद का मंथन एक अलग चीज, हर किलम लालदास और उत्तम दास प्राणनाथ जी को सारी बात बताते, हमसे गलती हो गई, वो नाराज होकर चला गया, तो आप आ गया तो हम जाते हैं उसको मना करके, माफी मांग करके बुला लाते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं ना ना, जाओगे तो और गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा अहंकार आ जाएगा, आपने जाना सुना है ना, इतने दिन तारुण ज्ञान सुना है उसने, वो चैन से बैठ नहीं सकेगा, वापस भाग करके आएगा। आप लोग चिंता मत करो, आराम से बैठे रहो, चार दिन थोड़ा सा डोस गया है ना, खुराक दवाई पिला दिया थोड़ा सा तो असर करेगा नहीं करेगा, और वापस वो भाग करके आएगा। सो दूर के हो गई, रह ना सके घर में, अपने घर में बैठ सका वो जहन्नम, और दौड़ करके दिन दूसरे आया श्री जी साहब के पास। अगले ही दिन आ गया प्राणनाथ जी के चरणों में, प्रार्थना करते हैं कि हे प्राणनाथ, हे इमाम मेहदी साहब, आप मुझे क्यों समझाते हैं, ठीक से मेरी आत्मा को जागृत क्यों नहीं करते, मेरे अंदर जो कमी है अवगुण है उसे क्यों दूर नहीं करते हो, मुझे है कदमों की आस, मुझे आपके चरणों की अभिलाषा है, आप मुझे सावधान करिए, समझाइए। एक होता देखो जिसके अंदर तड़प नहीं होती, प्रवाह से आ जाता सुनने के लिए, आत्म कल्याण की तड़प ही नहीं है, प्राणनाथ जी की परमात्मा की तड़प ही नहीं है, तो उसको क्या कि इतना भी बड़ा बड़ा ज्ञान सुना दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन जिज्ञासु हैं उनको पूरा प्रयास करना चाहिए, जिज्ञासु हैं, आत्म कल्याण की तड़प है, उसको आप ज्ञान सुनाओगे वहां पर आपका बीज अंकुरित होगा, वहां पर अच्छी फसल होगी, उपजाऊ धरती है वो बंजर धरती पर,
पथरीली धरती भर कितना भी हल टूट जाएगा लेकिन वहां पर कुछ फसल होने वाला नहीं है। अब उनको ध्यान से चर्चा सुनाते हैं। एक दिन चर्चा करते करते पूछा उसने, ये हमारे कुरान में लिखा है जब इस्राफील पहला सुर फूकेगा, कुरान हदीसों में लिखा है पहला सुर फूकेगा धरती उथल पुथल हो जाएगी, बड़े बड़े पहाड़ टुकड़े 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 चूर चूर होकर के हवा में, पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े भी सब रुई जैसे हो जाएंगे, रुई के समान हवा में उड़ेंगे। और क्या लिखा है कि धरती भूकंप से हिल जाएगी और जो कब्र में मुर्दे पड़े में निकल करके बाहर आ जाएंगे और खुदा की तरफ दौड़ने लगेंगे। तो कब्र से मुर्दे कैसे उठेंगे? आप कहते हो कि कयामत आ गई है तो यहाँ तो कब्रिस्तान में से एक भी मुर्दा नहीं उठा, तो वो कैसे उठेंगे? यहाँ देखिए दो अर्थ होता है कब्र से मुर्दे उठने का, जैसे इस्राफील का सुर दो बार फूकना होता है। खजा भी दो प्रकार के होते, ब्रह्म ज्ञान का न्याय और दूसरा कर्मों का न्याय बाद में होगा। उसी प्रकार सुर दो फूकना क्या, पहले ब्रह्मवाणी रूपी सुर पहले फूक दिया, दूसरा सारी दुनिया को जब जागृत बुद्धि मिलेगी वो सेकंड सुर। उसी प्रकार कब्र से मुर्दों का उठना भी दो है, पहला ये भी ज्ञान सुनकर के जो भी जीव या आत्म जागृत हो रही है ब्रह्म ज्ञान सुनकर, ये है कब्र से मुर्दों को उठना पहला। और दूसरा क्या है यहाँ पर बता रहे, दूसरा बता रहे हैं कि जब सृष्टि का अंतिम समय आएगा, सही बात बताया, इस करबत के वास्ते परम धाम से मोमिन उतर आए संसार में खेल देखने, सबसे पहले ब्रजराज में आए और उसी को लैलतुल कद्र के तीन तकरार कहा गया है, जागरण का ब्रह्मांड फिर से आए हैं। यहाँ पर अक्षर अकेले भाई लोक में सब होवे एक दिन, जब अंतिम समय आ जाएगा सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी, यह इस्राफील का दूसरा सुर फूकना है। इस्राफील दूसरा सुर फूकेगा, कुरान में कथानक जो लिखा है समझिए कोई फरिश्ता नहीं है, वो पीठ कुबड़ी करके हाथ में रणसिंघा लेके रेडी पोजीशन में खड़ा है सरकार, और जैसे खुदा हुक्म करेगा बजा तो सुर फूक देगा। जाहिरी अर्थ में ऐसा लोग लेते हैं जबकि बातिनी अर्थ क्या है, सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी, यही है इस्राफील का सुर। इस्राफील नाम का कोई फरिश्ता या अलग से व्यक्तित्व नहीं है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं उस तरह से कोई है। इस्राफील जब आए विष्णु भगवान जैसा कोई देवता या फरिश्ता नहीं है, वो जबरील कोई पंख वाला फरिश्ता है या पंख वाला आदमी है या कोई पक्षी है, कौन है? जहरी वर्णन में देखेंगे पंख में दोनों बाजू 12,000 उम्मत की रूहें जो इब्तदाए जब्राइल के पंख पर दो बाजू बैठे, दोनों बाजू में बैठा कर और बीच में ले बैठे अपनी तीन सूरत बशरी मलकी की सूरत पंख में बैठा के ले जाएगा। जाहिरी मायने लिए अंधेर, हम भी फिर वही बात, जब्राइल जोश धनी का क्या कहा सनंद में देखेंगे। वहां पर पहले प्रश्न किया कि खुदा को आशिक मोहम्मद को माशूक कहा है तो बीच में ये फरिश्ता क्यों तीसरा शख्स आता जाता है, आशिक माशूक के बीच में तीसरा मीडिएटर होना चाहिए कभी? वो पूछ रहा बता रहा है ना न्यारा आशिक माशूक ये तो एक ही किया प्रमाण, तो बीच कह गया क्यों फरिश्ता जो आवे जाए दरमियान, बीच में फरिश्ता क्यों कोई आता जाता है? जबराय क्या कहा, एक सूरत दो बीच में, एक शक्ति दो के बीच में आती जाती, किन दोनों के बीच में आती जाती बताओ जरा, एक तो मोहम्मद हो गया, दूसरा कौन है? अक्षर ब्रह्म की राजी किससे पूछ के आता था जिब्रील? मोहम्मद कोई भी प्रश्न करते थे तो किससे पूछ के आता था? अक्षर ब्रह्म से पूछ के आता था कि राजी से पूछ के आता था? राजी से तो पूछ के आएगा ना, नहीं तो किससे पूछ के आता था? एक सूरत दो बीच में, भाई इसमें कह रहे ना ना न्यारा आशिक मासूक, खुदा को आशिक मोहम्मद को मासूक कहा है तो दोनों के बीच में फरिश्ता क्यों आता जाता है? ये खुदा और मोहम्मद की ही बात है, अक्षर की तो बात है ही नहीं इसमें। तो समझिए बात, एक सूरत दो बीच में, खुदा और मोहम्मद के बीच में ये जो
आवी जाए दरमियान इनको कहिए फरिश्ता नूर जोश है। राज जी के अंग जोश की शक्ति है, वो दो तनों के स्वरूप के बीच में आता जाता है, वो अलग से शख्सियत नहीं है। बाइबल में इसलिए तीन शख्सियत बना लेते, इसी का कुरान में विरोध, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन शख्सियत बना लिए। एक से इधर परमेश्वर यानी परमात्मा, इधर पुत्र ईसा मसीह, और बीच में एक शक्ति आती जाती है जिसको कहते हैं पवित्र आत्मा। तो ये तीन शख्सियत देने में लगता है, वास्तव में शख्सियत नहीं, शक्ति है। मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप के बीच में एक शक्ति आती जाती है, उसी को ही जिब्राइल दोष धनी का कह दिया। तो जागृत बुद्धि भी इसी प्रकार जागृत बुद्धि एक शक्ति है, सबको प्राप्त हो जाएगी। अपने भाई लोक में सब हो गए एक दिन, सारी दुनिया एक धर्म हो जाएगी, सबको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ग्रंथों में क्या लिखा है, उस दिन कोई किसी से नहीं कहेगा कि मैं तुझे ज्ञान समझा, क्योंकि उस दिन सारे ही ज्ञानी हो जाएंगे। कुरान बाइबल में लिखा है, आज तो क्या बड़े ज्ञानी बन करके सब सुना रहे हैं, उस दिन कोई किसी को नहीं कहेगा कि मैं तुझे आज सुना दूं समझा दूं, क्योंकि सारे ही ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे, कुरान में लिखा है। और बुद्ध गीता में देखो, बुद्ध गीता में भी ये बात क्या, परब्रह्म ज्ञान में स्वरूप में आएंगे और सारी दुनिया उनके स्वरूप को उनका ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानमय हो जाएगी सारी दुनिया। वाणी में छुपाई आता देखिए, पीछे चौथे तबक में जाहिर होसी आखिर, अंतर रूहों से जिन करो जो मोमिन है अष्टघर, मोमिनों से अंतर मत करो, ज्ञान छिपा के मत रखो, क्योंकि बाद में तो सारी दुनिया में ज्ञान जाहिर हो जाएगा। तो अकेले भाई लोग, सारी दुनिया खेल का हैप्पी एंडिंग भी ये, जरा ध्यान से खेल का एंड कैसे होगा, सब बोलते हैं ना ये ऐसे एंडिंग हैप्पी एंडिंग होगा, ऐसे लोग सोचते कि प्रलय हो जाएगा या कोरोना से मर जाएंगे या दूसरा कोई भूकंप से या परमाणु से मर जाएगा। डायरेक्टर जब पिक्चर बनाता है ना तो एंडिंग तक पूरा प्लानिंग पहले से कर लेता है, राज जी ने पूरा प्लानिंग पहले से कर रखा है और ये बता दिया। इसलिए कहते हैं ना मूल मिलावे से मूल मिलावे तक की भीतर, तो लास्ट में कैसे होगा, अभी जैसा नहीं होगा, उससे पहले थोड़ा दुख आएगा संसार में, और उसके बाद क्या होगा, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। और चौदह तबकों में ने सब लिया भी, किन चौदह लोगों में सभी यकीन ले आएंगे, एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। दुनिया सारी दौड़सी करने को दीदार, एक दुनिया एक कसम, एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात, तो ये स्थिति हो जाएगी। अक्षर अक्षरातीत बिना रहेगा कोई, और अक्षर और अक्षरातीत के बिना कोई ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म दुनिया में रहेगा नहीं, बाकी सब नश्वर हैं। अक्षर अक्षरातीत के बिना कोई भी अखंड अविनाशी नहीं है। जब अब इसके बाद खेल खत्म, हैप्पी एंडिंग, सारी दुनिया एक परमात्मा का उपासना कर रही है, तब पिया पिया धनी धनी बोले जय जय का, थोड़े से दिन में देखोगे बरत सी जय जय का, सब प्राणनाथ जी का जयकारा कर रहे हैं, परमात्मा की सब उपासना करेंगे, एक परमात्मा का भक्ति भजन करेंगे, और ऐसे में बस ताली बजेगा, सब अपने अपने धाम में उड़ जाए, अक्षर ब्रह्म अपने अक्षर धाम में उड़ जाएगा, सखियां मूल गला में उड़ जाएंगे, सब एक साथ उड़ जाएंगे। तो जो ही थोड़ी नूर जला की उड़ बैठे अक्षर, अक्षर ब्रह्म अपने धाम में उड़ जाएगा। धनी मामत हस्ताली दे साथ उठा हस्ता सुखे, हसीबे वहां पर सखियां उठेंगी नूर गला में, तो अक्षर ब्रह्म अपने धाम में उठेंगे, तो क्या होगा, वाणी की छुपाई से मिलान करते हुए चले। वाणी में क्या लिखा है, रू जुड़ी फिर हमसे रू एक अक्षर की, सो अक्षर की रू हमसे जुड़ी, जब फिरे सुनसी हमको तो घरों आपसी रोई, अपने दुखी मन से जागृत होगा कि इतना अच्छा खेल चल रहा था, फिर ये जो भिस्त हम करी यही भांसी, जो भिस्त पहली बहिस्त जिसमें परम धाम की लीला का प्रतिबिंब होगा, उससे उसका दुख दूर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, परम धाम में जो सखियां जागृत होंगी तो वहां पर क्या होगा कि
रू अल्लाह ईसा मसीह नूर नाम तारतम नूर बुध हसरा फिले हमारी मिने हम। क्या कह रहे हैं? अक्षर की रूह हमसे जुदा होगी कह रहे हैं, जो कि सामने अक्षर धाम में हम के अंदर ही, फिर भी उसको जुदा होगा। क्या कह रहे हैं? रू अल्लाह श्यामा जी नूर नाम तारतम, ज्ञान भी अब साथ में है, पहले ज्ञान नहीं था, ज्ञान रहेगा। फिर नूर बुध असराफिल निज बुद्धि असराफिल जो है वो हमारी मिले हम, हमारी ही है शक्ति है और हमारे साथ रहेगी। जबराइल पिया हुक्म रुहो करत रखो पा आए, सोई सूरत है अपनी पिया हुक्म ले मिले, वो हमारे साथ में रहेगी, अपनी ही सूरत है अपने साथ में रहेगी। पहले की बात है, जब नहीं जा सका वो मोहम्मद साहब के समय की बात है कि जमुना जी क्रॉस नहीं कर सका, में भी जमुना जी के बार ने ऐसा नहीं लिखा इश्क लेने आए, लेकिन अब खेल समाप्ति के बाद स्थिति अलग हो जाएगी। अब क्या होगा? जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, तारतम ज्ञान की शक्ति सब साथ में रहेगी। पहले हम सखियां केवल प्रेम की लीला का सुख लेते थे, सत्ता का सुख लेते नहीं थे, अब सत्ता का भी सुख लेंगे। अक्षर केवल सत्ता का सुख लेता था, प्रेम का सुख नहीं लेता था, अब वो प्रेम का भी सुख लेगा। तो अब देखिए, नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर, तब धाम को याद करे। तो वो याद करेगा कैसे? यहाँ पर वाणी के माध्यम से, चितवन के माध्यम से हम जो सुनता है वो याद करेगा, धाम को याद करे। अक्षर उनके से याद करेगा जो खेल में देखा था, उसी को तो याद करेगा ना। चित्त भाइयों किस प्रकार के चित्त में धाम की लीला अंकित हो जाएगी। बोलो श्री प्रधाननाथ कहेगी। अब देखिए बजराज की लीला भी कैसे अखंड हुई है, बजराज की लीला भी कैसे अखंड हुई, जागृत होने के बाद जब अक्षर ने याद किया। देखिए रास लीला में क्या हुआ, जब अंतर ध्यान में जोश शक्ति खींच लिया, जोश लियो खींच कर चित्त चौक है अक्षर, कौन बन कौन सखिया कौन हम, यो चौक के फेरी अतम, रास आया मैंने जागृत बहुत चुप रही हृदय में शुद्ध। इस प्रकार जैसे उन्होंने याद किया, चुप रही हृदय में शुद्ध, हृदय सारी जो रास लीला देखा था वो अंकित हो गई जैसे याद किया। अब तो रास लीला पूरी हुई भी नहीं है, अभी अंतर ध्यान समय तक वो पहले अंकित हो गई। फिर जब रास लीला खत्म हुई, अभी ब्रज लीला अभी तक अखंड नहीं हुई, क्योंकि ब्रज लीला पहले खेली गई, रास लीला बाद में खेली गई, लेकिन अखंड पहले रास लीला हुई और ब्रज लीला देखिए। पीछे जोग माया को भयो पतंग, तब नींद रही अक्षर सयन, ब्रज लीला सो बांधी सूरत, अखंड बाई चढ़ाई चित। ब्रज लीला को याद किया उसने, ब्रज लीला भी हृदय में अखंड हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर तब मोमिन मिलावे को जब एक करें याद, मोमिन मिलावे को जब वो याद करेंगे कैसे सुंदर साथ का मिलावा था, कैसे वहां पर माया में संसार में किस प्रकार आनंद आया, परम धाम का क्या क्या सुख लिया, मूल मिलावे का दृश्य, 25 पक्ष की लीलाओं का सुख, जो भी खेल के माध्यम से अक्षर वर्ण को मिला, साक्षात रूप से अब भी वो परम धाम की लीला में शामिल नहीं हो सकता। खेल के माध्यम से जो मिला है उसको सबको याद करेगा, वही पहली भैंस में अखंड हो जाएगा। और मोमिन मिलावे को जब एक करे याद, तब आठों बिस्त की उठ बैठी बुनियाद। आठों बिस्त क्या? आठ लेवल है, दर्जा है। जैसे हम पिक्चर देख के आते हैं तो क्या होता है, हीरो का छाप हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा पड़ेगा, हीरो कमाल का था, बहुत अच्छा काम किया हीरो ने, भले नकली था लेकिन सबसे ज्यादा प्रमुख रोल था हीरो का। फिर सेकंड नंबर पे आएगा जो सहायक कलाकार है, बाकी आम खलक आठवें नंबर पे। ध्यान से, जो ईमान ले आए के सोवे बीच कबर, और जो कोई भी परमात्मा पर प्राणनाथ जी पर विश्वास ला करके जिसने भी देह त्याग किया होगा, सो चुभे नूर के चित्त में भूले नहीं क्यों एक, उसको अक्षर वर्ण कभी भी भूलेगा नहीं। जिसने भी अच्छा काम किया, एक प्राणनाथ जी पे विश्वास लाया है, उसको कभी भूल सकता, उसके चित्त अखंड हो जाएगा। इसलिए कहा ना, करने हया सबन को देवी हकीलम बेशक, ब्रह्म आत्माएं सबको अखंड करने के लिए ब्रह्म ज्ञान देंगी,
सिफायत मतलब सिफारिश नहीं होता है कि भाई हमारा खास आदमी उसको भविष्य में रख दो, हमारा खास आदमी ये आपका प्रिय आदमी, आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके मित्र हैं, सगे संबंधी या दुनिया का भी ज्ञान करना चाहते हो यदि, तो सबको ब्रह्म ज्ञान देना ही एकमात्र तरीका है। मुक्त देशी ब्रह्मांड को आय ब्रह्मात्म सत्य तो कैसे देंगे, ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही देंगे। तो ये है बहिष्ठ में खड़ा होना भी एक दूसरे प्रकार का कब्र से मुर्दों का उठना है। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर, इस प्रकार ज्ञान सुनाते समय पूरा विश्वास आ गया, जोश शक्ति आ गई और बिल्कुल मन एकाग्र चित हो गया। इस प्रकार तीसरे दिन जहान मोहम्मद ले आए ईमान, जहान मोहम्मद तीसरे दिन ही प्राणनाथ जी पर पूर्ण विश्वास ले आया। तीन हो गए, अव्वल खान, मीन खान और जहान मोहम्मद, चार में से तीन प्राणनाथ जी के चरणों पर विश्वास ले आते हैं। अब चौथा थोड़ा टेढ़ा देंगे, फतेहउल्लाह खान। एक्चुअल में ये था जरूर यहाँ पर, लेकिन ये औरंगजेब का प्रतिनिधि था, दीवान के रूप में यहाँ कार्य करता था। फतेहउल्लाह खान औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में दीवान के पद पर यहाँ कार्य करता था। और ऐसा क्यों करता था, औरंगजेब अपने आदमी को दीवान के रूप में रखवा देता था ताकि कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, या मुगलों के विरोध में राजा कोई एक्टिविटी तो नहीं कर रहा मुगलों के विरोध में, तो उसके लिए अपना आदमी रखा रहता था फतेहउल्लाह खान। अभी देखेंगे जब उनका भाव सिंह का आक्रमण होता है तो सत्ता पर फतेहउल्लाह खान कब्जा कर लेता। कैसे कर लेगा जब उसको अधिकार नहीं होगा, ये अधिकार था दीवान का अधिकार। तो और मुसलमान आ गए, सब चर्चा सुने, और भी बहुत सारे मुसलमान चर्चा सुनने आते थे, तावे जहान मोहम्मद को जोश आवे। इन समय जोश चर्चा सुनते सुनते के जोश आ जाता था और उसमें होशी की अवस्था आ जाती थी, परमात्मा के ध्यान में वो डूब जाता था। जब अपन चितवनी करते हैं तो क्या बोलते हैं, रामधनी के जोश मेरी आत्म को लेके जाने। जोश क्या है समझिए, देखिए मोहम्मद साहब मेराज में गए तो उनको कौन लेने आया था, जिब्रील। कुरान के अनुसार क्या लिखा है, जिब्रील फरिश्ता आया और छाती चीरा, उसमें से हार्ट को बाहर निकाला, हार्ट को फिर जमजम के पानी में तीन बार धोया, फिर वापस लगा दिया। ये कथानक जड़ बुद्धि वाले, इसका बातिनी मायना क्या है, जोश की शक्ति आई और हृदय निर्मल एकाग्रचित हो गया। जमजम के पानी में तीन बार धोया मतलब क्या, हृदय निर्मल हो गया, एकाग्रचित हो गया। चित्तवनी करते समय इसलिए हम ऐसा भाव लेते। और भी प्रसंग बहुत सारे आते हैं, जिब्रील ने कहा चलो मिराज में खुदा ने बुलाया है, तो मोहम्मद ने कहा नहीं, पहले ये बताओ जिस तरह से मुझे मेराज हो रहा है उस तरह से मेरे मोमिन भाई भी मेराज होगा या नहीं होगा, तो चिंता मत करो उनको भी उसी तरह से मेराज होगा। हम सब अच्छी तो नहीं कर रहे ना, यही मेराज है। और जरा सोचिए अक्षर की आत्म चिंता करेगी अपने भाइयों के मोमिनों के लिए कि मेरे मोमिनों को मेराज होगा कि नहीं, कौन चिंता करेगी, अक्षर की आत्म चिंता करेगी कि श्यामा जी चिंता करेगी। आगे भी आता कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते रो रहे थे कि मेरे मोमिन भाइयों के कारण मैं दुखी हूँ, वो आखिरत को आएंगे मेरे मोमिन भाई, कौन दुखी होगा बताओ। अक्षर की आत्म दुखी होगी कि मेरे मोमिन भाई आखिरत में आएंगे, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। सोचिए जब सारे प्रसंग एक एक हम देखेंगे स्पष्ट हो जाता है। नवरंगवाड़ी में एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया, सूरत मोहम्मद जो बसरी सो वासना श्यामा जी की खरी। हम जो है सच को स्वीकार करना ज्यादा बेहतर है 100 झूठ बोलने से, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़े उससे बेहतर है कि सत्य को स्वीकार कर लेना। और एक और कहावत है, सत्य को याद नहीं रखना पड़ता कि मैंने कल क्या बोला था परसों क्या हुआ था, झूठ को याद रखना पड़ता है। झूठ वाले हैं इसलिए फंस जाते हैं, पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, तीन बार पूछेगी घुमा घुमा करके, फंस जाएंगे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग। सत्य पकड़े के चलेंगे शांति प्राप्त होगा। फिर सावधान होने जब नाम सुने लाहुत,
जहां मोहम्मद जैसे लाहौत का नाम सुनते हैं, अफसे आजम का नाम सुनते हैं, तब फिर गिरे जोश में या गिरे कयामत, इस प्रकार फिर से जो है जोश आ जाता है और ध्यान में खुद हो जाते हैं। इस प्रकार अब पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान, और चौथा जो था वो फतेह मोहम्मद भी कहते हैं, फतेहउल्लाह खान भी कहते हैं। तो उनको जब पता चला, जहान मोहम्मद जाता उनको बुलाने के लिए, क्योंकि जहान मोहम्मद उस्ताद भी थे, उनका बड़ा मर्तबा भी था, तो वो जाते हैं फतेह मोहम्मद के पास, क्योंकि फतेह मोहम्मद भी एक दीवान है और थोड़ा कठिन शख्सियत है। उनको समझाते हैं कि आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहब आ चुके हैं, कयामत का समय आ चुका है, सारी बात बताते हैं। लेकिन कहते हैं, फतेह मोहम्मद कहता है, तुम्हारी बात यदि सच्ची है तो मेरे पास ऐसे 40 हदीसें हैं जिनका अर्थ मुझे स्पष्ट होता नहीं है, उनका आप अर्थ रामनाथ जी यदि बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वो इमाम मेहदी। अब 40 हदीसें 40 किताब नहीं होता है, हदीस छोटा भी होता है बड़ा, एक पैराग्राफ में भी होता है। एक वाकया, एक बार मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा, इसको कहते हैं एक हदीस। तो एक जो बातचीत हुई है, एक वार्ता है, उसको कहते हैं एक हदीस। बहुत सारे हदीस आते देखेंगे जब, एक हदीस मान लो, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मोहम्मद साहब के ऊपर किसी लड़की ने टोना कर दिया, उनके बाल में 11 गांठ लगा करके, कोई कहता है, कोई कहता है रस्सी में 11 गांठ लगा करके मंत्र पढ़ करके कुएं में रखकर एक पत्थर से दबा दिया उसको, कुएं के भी अंदर पत्थर से दबा दिया, तो मोहम्मद साहब बीमार पड़ गए। आज भी टोना टोटका होता तो अच्छे समझ में आ गए, तो तबियत खराब हो गया, तो जिब्रील से पूछा क्या समस्या, तो जिब्रील ने बताया उनको कि वैसे ऐसा टोना किया है, 11 गांठ लगा दिया है और कुएं में रख दिया है। तो अली जो है तुरंत कुएं में उतरा और उतर करके वो रस्सी को निकाल ले आया और उसमें से 11 गठान, एक एक गठान जैसे खोलता गया, मोहम्मद साहब का तबियत स्वास्थ्य ठीक होता गया। अब ये जाहरी कथानक है लेकिन इसका बातनी अर्थ है, 11 गठान है 11 सदी के प्रति, 11वीं सदी में मोहम्मद साहब का पुनः प्रकटन ही मोहम्मद साहब का होश में आना या उनका स्वास्थ्य ठीक होना। मोहम्मद साहब जो 11वीं सदी में लिखा है कि मैं दोबारा आऊंगा मेरे मोमिन भाइयों की खातिर, मैं पहले कब्र से मैं उठूं सो मेरे मोमिन भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल त्यो काम करूंगा, उठ के तो शुरू में मैं कैसा करता था आखिर भी मैं वैसा ही काम करूंगा। क्या काम? ज्ञान प्रसार। तो उसके हिसाब से 40 हदीसें थी जहां मोहम्मद प्राणनाथ जी के पास लाते हैं वो 40 हदीसें। फतेह मोहम्मद अभी नहीं आया और प्राणनाथ जी को सारी बात बताते हैं कि 40 हदीसें अगर था यदि बता सको तो फतेह मोहम्मद आपके चरणों में आने को तैयार है। प्राणनाथ जी कहते हैं, जब तुझे भी इल्मे लदुन्नी तारतम ज्ञान प्राप्त हो चुका है तो फिर तू ही अर्थ खोल। तारतम ज्ञान प्राप्त होने की पहचान क्या है? हर चीज आप बताना नहीं पड़ेगा, किसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है, आपको तारतम ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तारतम ज्ञान जब प्राप्त हो गया है, जब कविता पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर बात का अर्थ आपको स्वतः खुलने लगेगा। तो कह रहे, तुझे जब तारतम ज्ञान इल्मे लदुन्नी प्राप्त हो गया तो तू ही इसके अर्थ कर। जब जहां मोहम्मद कहता है, कर तो दो लेकिन आपके कृपा के बिना, आपके हुक्म के बिना मैं कैसे कर सकता हूं, तब कहते हैं तू ही कर इनके मायने, किल्ली रूह अल्लाह की पावे, जब तू ही इसके मायने कर, जब तुझे तारतम ज्ञान प्राप्त हो गया है, जब इन्होंने तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम, तब जहां मोहम्मद कहता आप मुझे तारतम ज्ञान प्रदान करें, तारतम की शक्ति प्रदान करें, बिना शक्ति के मैं क्या कर सकता हूं। जब जहान मोहम्मद को भी पहचान इस्लाम, जहान मोहम्मद के अंदर जैसे ही तारतम ज्ञान की शक्ति प्रवेश करती है उनको तुरंत पहचान हो जाए। 40 हदीसों के मायने प्राणनाथ जी ने नहीं, जहान मोहम्मद स्वतः उसका स्पष्ट कर देता है और जाता है फतेह मोहम्मद के पास। हे फतेह मोहम्मद,
40 हदीसें आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब प्राणनाथ जी के चरणों पर विश्वास लाते हो कि नहीं लाते हो, बोलो। ये तो बात तो सही है, लेकिन ये कहता है कि खुदा की सूरत है, खुदा की सूरत नहीं है। खुदा का स्वरूप कुरान में कहीं नहीं लिखा है। ये कहते हैं खुदा की सूरत है, इसलिए इनकी बात को मैं मान सकता नहीं है। खुदा की सूरत का मुझे दे उत्तर, तुम क्या मानते हो, कुरान का क्या स्टडी किया आपने? मैं भी एक विद्वान हूँ, जहान मोहम्मद कहते तुम भी एक विद्वान हो, बताओ कुरान क्या लिखा खुदा की सूरत के बारे में, कहाँ लिखा है निराकार? रुए तरवी फिल लैलतुल मियराज एक कलाम बरहक, ये जो कुरान में लिखा है कि खुदा का सबे मेराज में मोहम्मद की रूह ने खुदा का दीदार किया, क्या तुम इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? ये दिल तुम्हारे शक है देव जवाब माफक, क्या तुम्हारे दिल में कुरान की आयतों के प्रति संशय है? जवाब दो। तो फतेह मोहम्मद कहता है इनमें ना कछु शक, इसमें कोई शक नहीं है, पर जाहिर हम ना कर सके सारा जाहिर परस्त बुजुर्ग, लेकिन शरीयत का कट्टर राज्य है औरंगजेब का, औरंगजेब के पहले हम अपनी तरफ से इस बात को स्वीकार या जाहिर नहीं कर सकते जब तक कि औरंगजेब इस पर विश्वास ना ले आए। जहान मोहम्मद कहता है तुम्हारा ईमान किसके प्रति है, खुदा पर ईमान है कि औरंगजेब पर तुम्हारा ईमान है? आज भी देखिए आज के जो मुसलमान हैं ईमान वाले कहलाते हैं, लेकिन उनका ईमान वास्तव में काजी मुल्लाओं पर, खुदा पर नहीं। जिसको खुदा को जानते ही नहीं तो ईमान कैसा? फिर काजी मुल्लाओं ने, उनके जो इमामों ने और जो भी धर्म गुरुओं ने जो बताया है अभी के 300-400 साल में जो बताया है उसी पर वो अमल करते हैं वास्तव में। ये तुम्हारा ईमान औरंगजेब पर है, खुदा पर है, ऐसा बोल दिया तो गुस्सा आ गया जहान मोहम्मद को। एक खटपट भाई आपस में, तब इनने छोड़ दिए पठान, आपस में झगड़ा हो गया। तो फतेह मोहम्मद क्या करता, दूसरे मुसलमान भाइयों को और जो बेचारे कुरान से अनभिज्ञ हैं उनको बस बोलने की देरी है इस्लाम खतरे में है, चलो तलवार लट्ठा लेकर के, कुरान के बारे में कुछ नहीं जानते बेचारे, उनको जो है गलत मार्गदर्शन देकर के ये धर्म गुरु उनको भटकाते हैं, और झगड़ा करने के लिए भेज दिया। और मिल पठान सारे मिलकर के जहान मोहम्मद के पास झगड़ा करने आते हैं। मिल पठानों मने किए जहान मोहम्मद को, सबने जहान मोहम्मद को मना किया, तुम एक हिंदू बैरागी के कदमों लगे क्या जान लिया मोमिन? अब हिंदू एक महात्मा के पास उनके चरणों में क्या समझ करके जाते हो, क्या तुमने पहचाना हिंदू फकीर कब से इमाम मेहदी हो गया? कुरान में क्या लिखा है? कुरान में ऐसा लिखा है कि हिंदुओं में इमाम मेहदी आएंगे? लिखा है, लेकिन संकेतों में लिखा है, पर्दे पर आएंगे वो। तो ये पर्दा ही है जो कोई पहचान पाता नहीं है। हिंदू ग्रंथों में भी लिखा कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आएंगे, लेकिन कंचित काले बुद्ध जी गुप्त गुप्त स्थिति कुछ समय तक गुप्त रूप से विचरण करेंगे। बाइबल में लिखा है तो बादलों पर आएंगे। बादलों पर आने से मतलब क्या है? बादल के ऊपर कुछ होता तो दिखाई देता है, हवाई जहाज जा रहा है बादल के ऊपर, नीचे से नहीं दिखेगा। इमाम मेहदी बादलों पर आएंगे मतलब क्या है, किसी को पता चलेगा कि नहीं, किसी को दिखाई नहीं देगा। तब लड़ाई होने लगी, सुन्नी सिंजी साहब ने बात, इस तरह से झगड़ा होने लगा आपस में। मुसलमानों में बड़ी कट्टरता होती, कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कर ले तो कोई चलेगा, कोई ज्यादा झगड़ा नहीं होता, लेकिन मुसलमानों में से कोई एक मुसलमान धर्म बदलने की बात करेगा सारे मुसलमान घर में जाके पत्थर बरसाते हैं। यूसुफ मियां सरकार से तारतम लिया था, 25 मस्जिद के इमाम थे वो, उनके घर में जाकर के मुसलमानों ने पत्थर बरसाया। इतना इजी नहीं, मुसलमान बन करके प्राणनाथ जी के चरणों में आना बड़ा कठिन होता है। प्राणनाथ जी कहते हैं जहान मोहम्मद ये तो अमल ददार सुन सो तो जाहिलों का बाप, ये दज्जाल का समय चल रहा है, वो जाहिलों का बाप है। जितने जाहिल बिना ज्ञान वाले लोग हैं, मूढ़ बुद्धि हिंदी में बोलते हैं शुद्ध रूप से, मूढ़ बुद्धि लोग हैं, मजदूर के लिए मजदूरी करना सरल है, उनको कितना पढ़ाओ लिखाओ वो समझने वाले नहीं है। भैंस के आगे बीन बजाने के बाद कितना ज्ञान समझाओ ये समझने वाले नहीं। जहान मोहम्मद कहते हैं क्या तुमको
कुरान किसने पढ़ाया? मेरे से तालीम लेकर के मेरे से ही आगे झगड़ा करने तुम लोग। जहान मोहम्मद इतना बड़ा उस्ताद, उससे तालीम लेकर के उन्हीं से झगड़ा करने आ गए, बताओ। इस्लाम खतरे में, भैया जितना ज्ञान था अब तक उतना ज्ञान दिया था, अब रामनाथ जी के चरणों में आकर के ज्ञान समझ में आ रहा है सही मायने में। इल्मे लदुनी हासिल हुआ तब ज्ञान तुमको समझा रहे हैं। तुम जब पुराने में फंसे हुए हो, तालीम में यही समस्या होती है। गुरु ने शिष्य को सिखाया, बाद में गुरु भी अपने वक्तव्य बदल नहीं सकता। ये तो क्या होगा, शिष्य बोलेंगे हमारे गुरु ने गलत सिखाया। इनसे चले छूटिए, तुम जिन जोरा करो, आप शरीर से ताकत मत लगाओ, इससे जो है युक्ति पूर्वक छूटना पड़ेगा। तब एक दिन प्राणनाथ जी और सब सुंदर साथ, रात का समय था, धर्म सभा ज्ञान चर्चा कर रहे थे। सारे मुसलमान सोचते हैं जहान मोहम्मद से तो बाद में निपटेंगे, पहले चलते हैं, वो बैरागी से झगड़ा करके आते हैं। तो 10-12 लोग मिल करके झगड़ा करने के लिए आए, लेकिन छुपाई के हिसाब से चलेंगे। इत बैठी मजलिस भर के बाजू दोए, दोनों बाजू में महिला सुंदर साथ पुरुष सुंदर साथ भर के बैठे थे। और मोमिनों आगे किताबें रहलों पर धरी सोए, मोमिन ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ के आगे रहल पर किताब ग्रंथ रखे हुए थे जिस पर चर्चा कर रहे थे। और वहां पर देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर, वहां पर चर्चा चल रही थी, कुरान की बातों से चर्चा हो रही थी, मोहम्मद साहब की बातें कही जा रही थी कि मोहम्मद साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है, लेकिन उसका समझने का तरीका अलग। अब तुमको अर्थ समझ में नहीं आता है कयामत की निशानियों का, तो क्या बोलोगे, कयामत बहुत दूर है। मोहम्मद साहब ने क्या यही कहा कि कयामत बहुत दूर है? मोहम्मद साहब ने तो कहा कि धरती में एक व्यक्ति को भी अंदाजा नहीं होगा कि कयामत की घड़ी आज ही आने वाली। धरती, वृक्ष, नदियां, पर्वत, हवाएं डरते हैं कि कहीं कयामत आज ही न हो। देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर, आकर के जाहिल के समान, गुंडा होता ना कोई, गुंडा मवाली, ऐसे आकर के चिल्लाने लगे, ओ बाबा ये क्या चल रहा है, ये भगत जी क्या है, ये क्या चल रहा है, तुम हिंदू वेशभूषा पहने हुए हो, माला तिलक धोती पहने हुए हो और कुरान पढ़ रहे हो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। हिंदुओं को कुरान पढ़ने का अधिकार नहीं है। एक बात कुरान में आता है, पाक होए सो कुरान छुइयो, बिना पवित्रता के कुरान को हाथ लगाना नहीं। अब जाहिरी अर्थ क्या लेते हैं, सुन्नत जो की है वही पवित्र है बस, एक बूंद के लिए पत्थर उठा करके लघु शंका करना चाहते हैं और अंदर जो टैंकर भरा पड़ा है वो उसका पता नहीं है। अब थैली में मलमूत्र रखो, उस थैली को बाहर से कितना भी धो, अंदर तो मलमूत्र है थैली में। तो ये शरीर जो है उसकी पवित्रता की बात नहीं है, हृदय की पवित्रता की बात है। पाक हुआ दिल जिनका, इनका वजूद जामा सब पाक। तो क्या हिंदुओं को अपवित्र समझते हैं, काफिर समझते हैं, तो क्या बोलेंगे, बिना पवित्रता के तुम हिंदू होकर के कुरान को कैसे पढ़ रहे हो, कुरान की कैसी चर्चा कर रहे हो, ये तुमको बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका दूसरा भी बातनी कारण है कि कुरान को हाथ ही मत लगाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, कुरान तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं है। ये तो आखिरत में जो मोमिन आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, वही कुरान के रहस्य खोलेंगे। इसलिए कहा ना, कुवारी रही फुरकान, मतलब उनके मुख में से, जैसे नई नई शादी होती है दुल्हन के मुख से जब पर्दा उठाएगा तभी वो उस, मतलब इस तरह से कुरान भी से भी सब लोग अनभिज्ञ रहे। कुरान की कुमारी रही फुरकान, कुरान कुमारी रही का मतलब क्या है, कुरान का रहस्य कोई जान सका नहीं। तो तुम टीका माला पहनत क्यों पढ़त कुरान, तुम टीका माला पहनते और कुरान पढ़ते हो, ये रवा है नहीं, तुम जो कहो सुनो कान, ये तुमको इजाजत नहीं है। तब श्री जी कहिया, हम बरजत है तुम, हम तुमको रोकते हैं, इस तरह से नेक कार्य में बाधा मत डालो, हम तो खुदाई और रसूल की मोहब्बत बांधत हैं आपस में, हम खुदा और उसकी रसूल की मोहब्बत हम अपने दिलों में बांध रहे हैं। हाँ भाई ध्यान से,
सिर्फ खुदा की नहीं रसूल की भी। और हम क्या करते हैं, रसूल की नफरत बांध देते कुछ लोग, स्वयं खुदा की सूरत कहा गया है बसरी मलकी हकी कही मोहम्मद तीन सूरत। मोहम्मद की तीन सूरत है, तीन मोहम्मद नहीं लिखा कहीं पर भी, ध्यान से समझिए। जैसे त्रिधा कृष्ण बोल देते हैं लोग, त्रिधा लीला है, त्रिधा कृष्ण नहीं है, उसी तरह से तीन सूरत है, तीन मोहम्मद नहीं है। अलफ कया मोहम्मद को रूह अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहदी पाक से ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम, ये तीनों एक है, तीन नहीं है। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए तीन भेद। और भी देखो वाणी में, अब नबी प्यारा लग गया, लगे प्यारे उनके शब्द, मोहम्मद साहब प्यारे लगने लगे, उनके शब्द कुरान भी प्यारा लगने लगा जब उसका अर्थ समझ में आया, जब मोहम्मद के स्वरूप की पहचान हुई। नहीं तो जाहिरी मुसलमानों को देख करके मोहम्मद से नफरत करना उचित नहीं है। जाहिरी मुसलमानों की एक्टिविटी देखेंगे तो नफरत होता जरूर है, लेकिन इसमें मोहम्मद साहब और कुरान का कोई भी दोष नहीं। ज्ञान से समझेंगे तब उनसे भी हमारी राज्य का ही स्वरूप है ना भाई। ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल, दिल के आए बरारब, तुम जब झगड़ा करने आते हैं तिनको तो बुढ़ापत हो, ये तुम्हें किन फरमाए, हम तो खुदा और रसूल का मोहब्बत बांध रहे हैं और उसको तुम ढापते, तुमको किसने सिखाया, क्यों करते जहान मोहम्मद बोलिया तुम्हें किन ने बताया, तुमको किसने बताया। जहान मोहम्मद कहते हैं मैं तो तुम्हारा उस्ताद, तुम लेते तालीम, मैं तो तुम्हारा उस्ताद, मैं तुमको तालीम देता था, अब तुम मेरे से भी बड़े बन गए, किसने समझाया तुमको कि झगड़ा करो जाकर के, जो लोग कुरान मोहम्मद की बातें कर रहे हैं उसको तुम जाकर के रोको कि कहां लिखा कुरान में, किसने सिखाया। यूं करते जोश मिहिन को हुआ को जब जबराइल हुआ जोर, इस प्रकार मिहिन खान को भी जोश की शक्ति आ जाती है प्रबल, यूं आया जोश गाजी खान को दज्जाल डरा देख जोर शोर। देखिए जोश की शक्ति सिर्फ दर्शन के लिए नहीं होती, जोश की शक्ति जोश आवेश की शक्ति जो है वो दर्शन भी देती है, वही शक्ति से वाणी अवतरण भी होता है और दूसरी ब्रह्म लीलाएं भी उसी से होती। संसार में परमात्मा की जोश आवेश की शक्ति से ही ब्रह्म लीला जो भी कार्य होता है उसी के द्वारा होता है। यहाँ पर ईमान की बातें भी हैं तो भी जोश की शक्ति से। ब्रज रासलीला में देखेंगे, वहां पर रासलीला में भी वर्णन आता है जोत रसूल टापू मीने दिया जबराइल ने, वहां से देखेंगे तो ब्रज रास खेल के आए बराबर श्याम, और यहां से देखेंगे तो जोत रसूल टापू मीने मोहम्मद साहब की तरफ से देखेंगे तो क्या कहेंगे, तो मोहम्मद साहब की ही शक्ति ब्रजमंडल में थी, टापू यानी ब्रजमंडल। तो दिया जबराइल हर वहां पर जोश की आत्माओं को सुख प्रदान किया, जोग माया में खेल जो खेले संग जोश धनी के भेले। इस प्रकार अब जब उनके ही साथी मीर खान अव्वल खान जहान मोहम्मद सब उनके विरोध हो गए, ए भगत जी हम जाते हैं हमको कीजिए माफ, बोले यहाँ तो हमारे ही साथी हमारे विरोध में हो गए हैं तो यहाँ से निकलना ही ठीक है, जो वहां से निकल गए। अब इस बीच जाते हैं राजा भाव सिंह के पास, आपने चार मुसलमान कहा था मैंने चारों को समझा दिया है, अब तुम बादशाह औरंगजेब के खिलाफ तलवार लेकर के खड़े हो जाओ, मैं ज्ञान का प्रचार करूंगा लेकिन जहां पर बादशाह औरंगजेब बाधा डालेगा तो वहां पर तुमको आना पड़ेगा, हमला करने नहीं बोल रहे। औरंगजेब और उनके साथी क्या करते हैं कि कुरान वेद और कतेब का प्रचार करने के लिए रोकते हैं, बोले अब इसको जाहिर मत करो, कहा ना उन लोगों ने। तो ये राजा भाव सिंह को युद्ध करने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन ज्ञान प्रचार में जो बाधा डालेगा औरंगजेब तो आप सपोर्ट में मेरे खड़े रहना।
तब राजा भाव सिंह कहते हैं मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस मेरी छोटी सी अंतिम इच्छा है, मुझे आप तो साक्षात परब्रह्म हैं, मुझे थोड़ा सा कुछ अलौकिक दर्शन करा दो, परमात्मा का, परमधाम का, नहीं तो ब्रजराज लीला का कुछ भी दर्शन करा दो। माजे मांगने लगा, वाका हुआ तीन से, और जीव जो है एकदम कमजोर, वो आत्मबल एकदम कमजोर था, जीव कमजोर था बिल्कुल, न जीवन में कई साधना, न भक्ति, न कई तपस्या, ये भी देखिए अध्यात्म, भारी तलवार पकड़ने के लिए हाथ भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए, भारी तलवार लेकर के चलाना, हाथ में उठाने की ताकत नहीं, चलाओगे कहां से, भीम का जैसे ताकत भी चाहिए भीम का गदा उठाने के लिए, तो इसमें क्या आत्मबल जो चाहिए था उसमें एक प्रोसेस से होता है। राज्य शक्ति दे तो बात अलग है, राज्य चाहे तो दर्शन जिसको भी करा सकते हैं, लेकिन जीव सृष्टि जो है वो उसका आत्मबल सीधे नहीं हो पाता है, तो उससे उनका शरीर छूट गया, राजा भाव सिंह का शरीर तो वहीं छूट गया, तो उसका शासन जो था फतेह मोहम्मद ने सत्ता पे कब्जा कर लिया, क्योंकि औरंगजेब का प्रतिनिधि था और राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता दीवान, तो उसने तुरंत कब्जा कर लिया और आदेश दिया ढूंढ काढ़ो बैरागी, देख कैद में हम बैरागियों को ढूंढ कर तुरंत निकालो, सबको कैद में डाल दो, जितने प्राणनाथ और उनके साथी सबको पकड़ के जेल में डाल दो। अब प्राणनाथ जी तुरंत वहां से निकल गए, फतेह मोहम्मद के ही मोहल्ले में एक मुल्ला के यहाँ किराए से जाके रहने लगे और दूसरे सुंदर साहब भी कहीं कहीं जाकर के रहने लगे। फतेह मोहम्मद के सैनिक पूरे नगर में ढूंढते रहे प्राणनाथ जी को, लेकिन प्राणनाथ जी फतेह मोहम्मद के ही मोहल्ले में बैठे थे, बोले ये तो फतेह मोहम्मद का मोहल्ला, यहाँ पर ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ कहाँ जाएगा, तो वहां पर बैठे हुए थे और वहां पर मुल्ला को थोड़ा सा लोभ पैसे का लालच भी दिया और टीका भी कराने लग गए, वो तो लगे कुता कुरान उतार ने लोग लिखाया तीन, इस प्रकार वहां पर बैठे। अब भवानी भट्ट रास्ते में जा रहे थे, उनको सैनिकों ने पकड़ लिया, ये तुम भी उन्हीं के साथी हो ना, बोले किसके साथी, मैं नहीं जानता कौन प्राणनाथ, देखो तो उसको पकड़ रहे थे, बोला मैं नहीं जानता, अगर हाथ झटके से छुड़ाया और तुरंत भाग करके अपनी जान बचाया, है ना, बड़ियाई के भाग के छूटा ये जो भट्ट भवानी, बड़ी मुश्किल से भाग करके अपनी जान बचाई, फंस जाता तो बड़ी मुश्किल में फंस जाते, राज्य की कृपा थी ये भी। अब जहां मोहम्मद देखता है कि प्राणनाथ जी फतेह मोहम्मद की कॉलोनी में बैठे हुए हैं, तुरंत वहां पर जाता है और बताता है कि आप इतना खतरा हो गया है, सारे सैनिक आपको पूरे नगर में ढूंढ रहे हैं, यहाँ रुकना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है, सुंदर साथ को लेकर के आप रातों रात यहाँ से निकल जाइए, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। तो रातों रात वहां से निकल गए और वहां से बुरहानपुर होते हुए आकोट पहुंचते हैं। अब सुंदर साथ जो सूरत से निकल पड़े 500 सुंदर साथ और दिल्ली से लेकर के देखते हैं लगातार मुसीबत की बौछार। लोग बोलते हैं जागनी कार्य बड़ा आसान है, तो बाबा बन के प्रचारक बन जाओ, घर में कोई मुसीबत आई तो आश्रम चले जाओ, बाबा बन जाओ नहीं तो प्रचारक बन जाओ, घर में मुसीबत जो है वो नहीं हो तो आश्रम की मुसीबत तो उससे चार गुना ज्यादा है, घर में माया आधी और आश्रम में डबल माया, क्योंकि जो माया से लड़ता है ना उसको ज्यादा माया परेशान करती है। क्या बल कैसी कायल माया को जो गए सागर में रल, नदी के बहाव में बह जाना सरल है, उसके विपरीत चलना एक कदम भी, पता चलता कितना पावर है नदी के बहाव में, देखेंगे तो बस इतना कम घुटने तक पानी बह रहा, ज्यादा पानी थोड़ी बह रहा है, उसका भी प्रेशर इतना रहता है बरसात के महीने में जो घुटने तक भी पानी बह रहे है ना उसको भी पार करना मुश्किल पड़ जाता है, खड़े रहना मुश्किल, इतना तेज बहाव रहता है, पेड़ को उखाड़ दे गिरा दे नदी में। तो सुंदर साध भी आखिर इन मानव तनों में आए हैं बेचारे, दिल्ली में इतना कष्ट हुआ, उदयपुर से भाग के निकलना पड़ा, मंदसौर में भिक्षा मांगना पड़ा, औरंगाबाद में फिर अब यहाँ से जान बचा करके भागना पड़ा, तो ईमान डावाडोल हो जाता है। आज तो इतना बड़ा तो छोड़ो,
आज के सुंदर साथ बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा बीमार पड़ गए तो ईमान, लक्ष्मी जी का पूजा नहीं किए इसलिए बीमार पड़ गए, मेलडी माता का पूजा नहीं किए इसलिए बीमार पड़ गए, गणेश जी का पूजा नहीं किया इस साल इसीलिए बीमार पड़ गए, इसलिए गरीबी आ गई लक्ष्मी जी का पूजा नहीं किए, तो लक्ष्मी जी का पूजा करने वाले सारे धर्मान हो गए। लक्ष्मी जी का पूजा सारे हिंदू करते हैं, मुसलमान लोग करते हैं क्या, ईसाई करते हैं लक्ष्मी जी का पूजा, बौद्धिस्ट करते हैं, मालूम ही नहीं होगा इनका बौद्धिस्ट कौन, सिख लोग मालूम है, सब मालूम है, सिख लोग क्या लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं, क्या कबीरपंथी लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं, क्या जैन मत और दूसरे यहूदी कोई भी संप्रदाय वाले लक्ष्मी जी का पूजा हिंदुओं के सिवा कोई करता है, सबसे धर्मान कौन है संसार में, संसार में सबसे ज्यादा धर्मान कौन है, ईसाई लोग, वो तो लक्ष्मी जी का पूजा करते ही नहीं तो उनके पास तो पैसा आने ही नहीं चाहिए था, दो मेहर देखत खेल में लोग देखें ऊपर का जरूर, रामनाथ जी समझाते हैं यहाँ पर शुक्राना प्रकरण और मेहर सागर प्रकरण दोनों एक ही है, समझो बिल्कुल साथ में लेके चलिए, सुंदर साथ को चर्चा में समझाते हैं, सुंदर साथ का ईमान जो खड़बड़ हो गया, दो मेहर देखत खेल में लोग देखें ऊपर का जरूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं आखिर होत हकसित, ऊपर का जो बाह्य चमत्कार देखेंगे, पैसा मिल गया हाँ राज्य की कृपा हो गई, बारिश अच्छा हो गया राज्य की कृपा हो गई, और बारिश नहीं हुई तो राज्य की कृपा नहीं हुई, दम दम जो बरतत सो सब इसका पल पल मेहर करत, यहाँ जो दुख है वो भी राज्य की कृपा है, धनी संकुल हो भी तो दुख आवे तीन, राज्य जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो उसको दुख देते हैं, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सुख हमेशा चिंता तनाव अशांति लाता है, आज आपके पैसा है चिंता बनी रहेगी हमेशा स्थिर रहेगा कि नहीं, और ज्यादा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कहीं कोई लूट ना ले, कहीं नुकसान ना हो जाए, कहां इन्वेस्टमेंट करूं, भविष्य की चिंता कभी दूर होती है, करोड़ रुपए 100 करोड़ इकट्ठा कर लो तो भी भविष्य की चिंता कभी दूर होती नहीं, लोग क्या है कि बाहरी जो दुनियावी वस्तुओं को प्राप्त करने को कृपा समझते हैं, इसलिए परमात्मा से दूर हो जाते हैं, मेहर सोई जो बात नहीं, जो मेहर बाहर और माहे, उसमें कहते हैं एक बात हो ना तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, तुम्हें बातनी कृपा की पहचान कराती हूँ, सबसे पहले इन जीवी में आज लो वेद कतेबो करी खोज, आज तक संसार में वेद कतेब शास्त्र गीता भगवान बाइबल ग्रंथों का स्टडी कर करके लोग परमात्मा को जाने का प्रयास करते रहे, बड़े बड़े आलिम फाजिल हो गए, तो बड़े बड़े तालीम केंद्र चल रहे हैं, लेकिन कोई भी परमात्मा के विषय में नहीं जान सका, घोर अक्षर ना पाया, अक्षर ब्रह्म के बारे में भी नहीं जान सके, त्रिगुण थके खोज ले बोझ, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश भी थक गए, हम उनके द्वारा जो उसकी शक्ति से कुछ प्रमाण लिखवाया लेकिन उसके भी अर्थ उनको समझ में आया नहीं, शक्ति ने तो लिखवाया और चले गई शक्ति, तो फिर अब क्या लिखा मैंने मुझे ही पता नहीं चल रहा है, ऐसा हालत, ऐसी स्थिति हो जाती है, और जो कोई खोजत लेते इनके सुकन उन धर्म ग्रंथों को लेकर के जो कोई ऋषि मुनि योगी तपस्वी भक्त खोजने का प्रयास करेगा तो उसको कहां से मिल जाएगा, लिखने वाले को जब पता नहीं चला तो दिन की खोज से मकसूद ना होवे इन उसकी खोज से क्या लाभ होने वाला है, अक्षर अक्षरातीत की कहो नहीं पहचान, सो कर पकड़ बताइया दृढ़ कर दिया ईमान, हाथ पकड़ करके राज जी ने अपनी जोश की शक्ति देकर जागृत बुद्धि की शक्ति देकर तारतम ज्ञान की शक्ति देकर के सब पहचान करवा दिया, सुंदर सांत को भी देखिए लिखने में जो शक्तियां वाणी अवतरण में जो शक्तियां थी तो उस वाणी को समझने भी में भी वही शक्तियां चाहिए,
निगेबानी कीजियो मेरे खासे बंदों पर। जोश की शक्ति, जागृत बुद्धि की शक्ति, तारतम्य ज्ञान की शक्ति, राज्य का हुक्म, ब्रह्म सृष्टि को भी जितना कार्य कराना है, जितना उसकी आत्म को जागृत करना उतना प्रदान करना ही पड़ता है। जो नहीं अक्षर जागृत में धाम अंदर की शुद्ध, जो अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में नहीं मालूम कि रंग महल के अंदर क्या प्रेम की लीला होती है, सो संयोग की खोदई जागृत हृदय बुद्ध, उस सुंदर साथ को जागृत बुद्धि प्रदान करके, यहां से छुपाई भी सुनिए, जागृत हृदय, जागृत बुद्धि उनके हृदय में प्रदान करके सुंदर साथ को सब पहचान दिया। अब कितना भी देखिए, ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीज, हम समझते हैं जागृत ज्ञान बुद्धि कुछ भी प्रदान कर दो, नहीं होता। ज्ञान और बुद्धि दो अलग अलग चीज, ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि जरूरत होती है, जागृत बुद्धि को अलग अलग, इसलिए दो अलग अलग शक्तियों में गिना गया। इंद्रावती प्यास हमगे उदर फल उत्पन्न, एक निज बुद्ध अवतरी दूजा नूर तारतम, निज बुद्धि और तारतम दो शक्तियां उनके हृदय से प्रकट होती हैं। संयोग दई जागृत हृदय बुद्ध, ध्यान से, तीन बुद्ध सगत तारतम सुखी हकीकत धाम, उस जागृत बुद्धि के साथ में तारतम ज्ञान भी प्रदान किया, जिसमें पूरा परम धाम का स्पष्ट रूप से वर्णन है। धाम अंदर की वितक संग मूल स्वरूप विहार, रंग महल के अंदर किस प्रकार प्रीतम अक्षरातीत के साथ हम आत्माएं सखियां किस प्रकार प्रेम और आनंद में लीला विहार करती हैं, वो सारी बातें जो मूल स्वरूप के चित्त की ताको संयम खबरदार, राज्य के हृदय की बातों में भी सब सुंदर साथ जान गई इस ज्ञान के द्वारा। तो सखियां परम धाम में रहते हुए राज्य के दिल की बातें नहीं जानती थी, यहाँ पर आकर तारतम ज्ञान के द्वारा जान गई। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रिगुण पास क्यों है, अक्षर ब्रह्म को जो नहीं मालूम कि रंग महल के अंदर क्या लीला होती है, तो त्रिदेवा और ब्रह्म त्रिगुणात्मक सृष्टि को कैसे पता चलेगी। सो सुपन के जीवों को ठोर बताया, सो स्वापनिक जीवों को पूरा रंग महल के अंदर की बात भी पता चल गई। बताओ, अक्षर ब्रह्म को जो रंग महल के अंदर की बात नहीं मालूम, बाहर की बात तो मालूम है ना, श्यामा जी सखियों के बीच जो प्रेम और आनंदमय लीलाएं होती है वो अक्षर को भी नहीं मालूम, वो जीवों को यहाँ पर सुनने को मिल रही है। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, ए मेहर मोमिनों पर सबो पाई विनो सोहबत, सबे उनकी सोहबत से पाया। मेहर सागर में इसी बात को क्या लिखा, हुकम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तीन संग। धाम धनी की कृपा मेहर है, ब्रह्म सृष्टियों की वजह से दुनिया के ऊपर भी इतनी कृपा हो रही है, तो ब्रह्म सृष्टियों से कितना प्यार करते हैं, और दुख देख करके हम सोचे, जैसे कोई बच्चा सोचे कि मम्मी ने मुझे मार दिया, पापा ने मुझे मार दिया, लेकिन किस लिए मारा, क्या दुश्मनी थी, क्या कोई नफरत था, नहीं, उसके भले के लिए मारा, हृदय की निर्मलता के लिए, माया के विकारों को खत्म करने के लिए दुख जरूरी होता है। इसलिए कहा, दुख दावा नल काटत, दुख काटत सकल विकार, दुख काटत मूल माया को जड़ खत्म कर देता, ताते बढ़त होत नहीं विस्तार। दुख जब मिलता है, सगे संबंधियों से नफरत मिलता है, शरीर भी रोगग्रस्त हो जाता है, आर्थिक नुकसान भी हो जाता है, कोई उम्मीद बचती नहीं। लालदास को प्रत्यक्ष उदाहरण, लक्ष्मण सेठ का सारा जहाज डूब गए, दुकान में आग लग गया, तो क्या हुआ, कृपा हुई कि कहर हुआ, कृपा हुई, लक्ष्मण सेठ से लालदास बन गए। अब बताते हैं, ये तो बातून की मेहर है, ऊपर रूहन ये बातूनी मेहर, अब जाहिरी मेहर बताते हैं, और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन, शरीर के ऊपर भी कृपा करते नहीं करते, ऐसा नहीं है, मेहर सोई जो बातनी सो मेहर बाहर और माहे, बातनी मेहर भी शरीर पर भी होती है और आत्मा पर भी होती है, जाहिरी मेहर अलग है, बातनी मेहर
अभी बताया जो ज्ञान की दृष्टि राज्य का सुख दिया वो आत्मा पर मेहर था। अब जाहिरी रूप से शरीर के ऊपर भी बातिनी मेहर शरीर के ऊपर भी होती है और मेहर ऊपर वजूद के जाहिर देखो मोमिन वो भी देखो। पहले मूल ब्रज में ती पड़े विघन सो सारे दफे हुए वे संसार में धन धन ब्रज लीला में इतने मुसीबतें आई इंद्र कोप अभी पूतना अकासुर बकासुर कभी न कभी कालिया नाग सब जमुना नदी को विस्मय ही कर दिया। इतनी भी मुसीबतें आई गोवर्धन पर्वत उठा करके इंद्र कोप से रक्षा किया कालिया नाग का मर्दन करके जिसकी यमुना नदी को विषमुक्त किया सब मुसीबतें दूर किया। देखिए एक होता है सुख चाहना या सुख प्रदान करना। मैं चाहता हूं कि मुझे सुख मिले ये गलत चाहना है। लेकिन यदि मैं चाहता हूं कि मेरा जो दुख है वो दूर हो जाए दुख दूर हो जाए तो राजी दुख दूर तो कर सकते हैं लेकिन मुझे सुख मिले बोलेंगे तो ये गलत चाहना होगा। तो फिर मोहम्मद के उम्मत की अर्जी न पहुंचे कान सुनने वाले नहीं क्योंकि इसमें हमारा नुकसान है। जितनी आवश्यकता उतना देंगे आपसे जो सेवा कराना वो आपको तन मन धन जो भी सेवा कराना वो शक्ति आप प्रदान करेंगे लेकिन जरूरी चीज है आत्म जागृति। आत्म जागृति के लिए जो आवश्यक है उस हिसाब से राज्य कार्य करते हैं। ब्रज में इस प्रकार रक्षा किया रास लीला में गए तो वहां पर क्या रास रात ढूंढन की अटकल करे अनेक तुमको जहां रास लीला में ले गया उसको कोई आज तक ढूंढ नहीं सका कि वो रास की रात्रि कहां पर आज भी अखंड है जहां पर आज भी रास लीला चल रही कोई खोज नहीं पाया उसको। रास लीला खेल के आए बरार अब श्याम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो अपने अपने घरों में जयकारा जरूर बोलिए। रास लीला खेल के आए बरारब श्याम। श्याम का मतलब क्या होगा चलो बता दो। श्याम का मतलब क्या होता अपने धनी श्री श्यामा श्याम। श्याम का मतलब क्या सदगुरु मेरे श्याम जी। तो श्याम का मतलब क्या होता राज्य तो होता है ना। ब्रज रास खेल के आए बरारब श्याम राज्य आए रास लीला के पश्चात अरब में आए लेकिन राज्य के साथ क्या सारी शक्तियां आ गई। गोलोक की शक्ति भी थी कृष्ण के तन में विष्णु का जीव था अक्षर किया तो सब आ गए ऐसा नहीं कह रहे राज्य आए बाद में और क्या आया अक्षर की आत्म आई कि नहीं आई किस चौपाई में वो एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके लिए दूसरी चौपाइयां देखना पड़ेगा। इस चौपाई से वो स्पष्ट नहीं होता कि कौन आया। अल्लाह मोहब्बा माशुक सो खासी खजम दिल जो अल्लाह की अत्यंत प्यारी मासूक है राज्य के हृदय स्वरूप है श्यामा जी वो अरब में आए तो नाम धराया रसूले आशिक अपना असल। तब रसूल साहब ने अपना नाम आशिक बताया खुदा को मासूक खुदा को आशिक और मोहम्मद को मासूक इसलिए कहा गया। दो शब्द ध्यान से समझिए तो पहली लाइन और दूसरी लाइन को जोड़ता है। कई विद्वान क्या करेंगे पहली लाइन तो श्यामा जी ही करेंगे अर्थ लेकिन दूसरी लाइन में अक्षर भ्रम करेंगे। यदि दूसरी लाइन में और पहली लाइन में अलग अलग अर्थ इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि दोनों के बीच में लिंक है। तो नाम धराया रसूल आशिक अपना असल इसका देखिए सबसे बड़ा प्रमाण है नवरंग वाणी में अल्लाह ने मासूक मोहम्मद को कहया याते ठकुरानी मोहम्मद भया है ना सूरत मोहम्मद जो बसरी वासना श्यामा जी की। अब आगे इसी की चुपाई से स्पष्ट होगा देखिए ए दिन तीसरा कहया माजजे दिखाए अनेक अनेक प्रकार का माजजे अनेक चमत्कारिक लीलाएं दिखाया। अब दिन चौथे महीने ध्यान से दिन चौथे महीने रसूले धरा आया कदम तो रसूल साहब के अंदर जो जो वो चौथे दिन में आ गया तो चौथा दिन यानी देवचंद जी तो देवचंद जी के अंदर क्या थे अक्षर के आत्म थे तो फिर तीसरे दिन में कहां से हुई ना तीसरे दिन से चौथे दिन में रसूले धरा कदम तो फिर वहां जैसा सिद्धांत यहां भी लगा दो फिर अक्षर की आत्म है तो वही चौथे दिन में आ गई। फिर तो दिन चौथे महीने रसूले धरा कदम
तीन पांव ने सूझ ना किया जागी ना कोई आत्म। देवचंद जी के तन से कोई भी आत्म जागृत नहीं हो पाई। यहाँ पर पूर्ण जागृति की बात है। तारतम लिया, चरणों में आए, चर्चा सुना, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? वापस माया में सो गए। सुंदर बाइकें देखिया, दिल के दीदो माहे, ब्रजराज धाम की पर जागने की सुध ना है। तो फिर इससे क्या लाभ होगा? दो सकते हमने तो तारतम ले लिया, जागृत हो गए। तारतम लेने से कोई जागृत हो गया ऐसा नहीं है। हम घर से निकले, लेकिन यहां से निकले दिल्ली जाने के लिए, आधे रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो क्या फायदा? लक्ष्य तक पूरा पहुंचना जरूरी है। ज्ञान प्रेम चितवनी आगे बढ़ते हुए, वाणी मंथन चितवनी करते आगे साक्षात्कार तक पहुंचना जरूरी है। परम धाम और अक्षरातीत का साक्षात्कार होना, यह है लक्ष्य प्राप्ति। उसके बिना जागनी अधूरी है। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख, इसके यही स्वामी यही सो हो सन्मुख। और लक्ष्य की प्राप्ति तो हुई नहीं, ऊपर देवचंद जी को गुरु बना दिया, कृष्ण को परमात्मा बना दिया, तो कहाँ से जागृति होगी? कृष्ण देवचंद जी के तन में यही कारण था। पोते प्रकट पधारिया छो ने आड़ा देव छो ब्रजरास, ब्रजरास में उलझे रहे सब लोग। इसका विस्तृत चर्चा पहले हो चुका है। अब यह दिन पांचवा इमाम की इमामत, ये पांचवा दिन है इमाम की इमामत का। इमाम और इमामत का मतलब क्या है? इमाम होता है धर्म गुरु, जो मस्जिद में सबको नमाज पढ़ाता है। लेकिन अर्श बका पर सजदा कराओ सी इमाम। इमाम में यदि अर्श बका का सजदा कराएंगे, अर्श आजम खुदा के सूरत का सजदा कराएंगे, उसका ध्यान कराएंगे। परम धाम का ध्यान कराना ही परम धाम का सजदा है। ये जो है प्राणा जी करवाएंगे। अब छठा दिन जुम्मे का, तहां मोमिन जमा भय। छठा दिन जुम्मा, मुसलमानों का दिन रविवार से गिनते ना, रविवार पहला दिन, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार पांचवा दिन और शुक्रवार छठा दिन जुम्मा बोलते हैं उनका, जुम्मे का दिन। तो जुम्मे के दिन सब नमाज पढ़ते हैं, विशेष कारण है क्योंकि हदीसों में लिखा है कि जुम्मे के दिन सब सामूहिक रूप से एक साथ नमाज पढ़ के जाएंगे। इसलिए देखना, बाकी दिन तो अपने छोटे छोटे मस्जिद में या घरों में भी नमाज पढ़ लेंगे, जुम्मे के दिन ईद का हमें सब इकट्ठा होते हैं, एक साथ हजारों मुसलमान इकट्ठा करके नमाज पढ़ते हैं। इसलिए क्या है कि जुम्मे का दिन वो नहीं, ये छठा दिन मोमिनों का। कुरान में क्या लिखा है? खुदा ने छह दिन में संसार की रचना किया और अपने अर्श पर विराजमान हुआ। छह दिन लग गया उनको संसार बनाने में, बता परमात्मा को भी संसार बनाने में छह दिन लग गया। क्योंकि कुरान में लिखा है कि खुदा को जब कुछ करना होता है तो कह देता है हो जा और वो हो जाता है। कुन हो जा बोलता तो हो जाता है, तो छह दिन कैसे लग गए? छह दिन है सृष्टि, छह दिन की सृष्टि है, छह दिन की लीला है। यहाँ पर ब्रह्म लीला जो है छह दिन की है। छठा दिन है मोमिनों का, पहला ब्रज का, दूसरा रास का, तीसरा देवचंद, तीसरा अरब का, चौथा देवचंद जी इशारो अल्लाह का, पांचवा इमाम मेहदी, और छठा दिन अभी मोमिनों का चल रहा है। तहां मोमिन जमा भय, ये सब हो तो तीन वास्ते सुकन जब्राइली कहे। जबिल फरिश्ते ने जो धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी लिखा था मोमिनों के विषय में, वैसी ही सारी लीला क्रमबद्ध रूप से हो रही है। तो पहले से डिसाइड किया हुआ है कि छह दिन की लीला होगी और सातवें दिन सब जमा होंगे, सब को जागृत बुद्धि मिल जाएगी और सारी दुनिया एक हो जाएगी। वो सातवें दिन की लीला है, लेकिन सातवें दिन की लीला भी छठे दिन की कंटिन्यूटी में होती है, ब्रेक नहीं होता कुछ भी। अचानक से देखोगे सबको जागृत बुद्धि मिल गई है, सबको सदबुद्धि मिल गई है, सबको एक प्राणनाथ जी की पहचान हो गई है। ज्ञान सुना तो था पहले, लेकिन विश्वास आया नहीं था, अब विश्वास आ जाएगा। सब प्राणनाथ जी के चरणों में आ जाएंगे, सारी दुनिया एक हो जाएगी। छोड़ गुमान सब मिलसी है जो देखत हो जहान, सारी दुनिया एक हो जाएगी। ए माजजे मोमिन देखे सब पांचों दिन के, पांचों दिन का जो रहस्य है वो ब्रह्म सृष्टि समझेगी। ब्रज का रहस्य, रास का रहस्य, अरब लीला का रहस्य, देवचंद जी का रहस्य, प्राणनाथ जी के लीला का रहस्य, सब चीजें कौन समझेगा? सारे रहस्य ब्रह्म सृष्टि समझेंगे। होए वारस बेटे बाप के, सब मता आया इन पे,
जैसे बाप की संपत्ति बेटे को बिना मेहनत के मिल जाती है, बाप की संपत्ति बेटे को बिना मेहनत के मिल जाती है ना, उसी प्रकार पांचों दिन के लीला का रहस्य ब्रह्म सृष्टि को स्वभाव से, स्वाभाविक रूप से, सरलता से उनको प्राप्त हो जाएगा। जो जाहिर करते हैं करने को पहचान, वो ज्ञान जो है मोमिन ब्रह्म सृष्टि दुनिया में जाहिर कर रहे हैं। पहले मोमिन ईमान लाए, पीछे सब खलक सुने कान, पहले ब्रह्म सृष्टि ईमान लाएंगे, बाद में सारी दुनिया मान लाए, क्योंकि लिखा है पहले सुख मोमिन को, पीछे सुख संसार। जो मिल गया जीन भाँस सो, 300 मिले तीन विध। अब प्राणनाथ जी ध्यान से बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारे की, जो मिला जीन भाँस सो, कोई देखेगा संत महात्मा है तो संत महात्मा उनके लिए कोई बात, हिंदू देखेंगे तो क्या कहेंगे, कोई कहेगा कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, कोई कहेगा कि यहाँ ये हमारे कृष्ण ही फिर से आए, भजन गाते ना, आजा कलयुग में लेके अवतार हो गोविंद, आ गए वो दोबारा, वही कृष्ण के अंदर जो परमात्मा की शक्ति थी वही बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आ गए। मुसलमान देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे इमाम मेहदी हैं, क्या कहेंगे कि हमारे रसूल अल्लाह का मोहम्मद साहब हैं। कई जगह देखिएगा मुसलमान भाई जो आते तो हमने अल्लाह का रसूल देखा कहते, क्योंकि लिखा है ग्रंथों में कि मोहम्मद साहब दोबारा आएंगे और हमारी शिफायत करेंगे। शिफायत कर तो रहे इमाम मेहदी के रूप में, ज्ञान के द्वारा शिफायत कर रहे। ईसाइयों के लिए सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, ईसाइयों को बुद्ध निष्कलंक स्वरूप से कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ। अपनी अपनी में समझे सब, जुदा ना रहे कोई अब। अपने अपने मान्यता के हिसाब से, अपनी अपनी भावनाओं के हिसाब से सब मिलेंगे। जहूद कहे मूसा बड़ा होए, या के हाथ छूटे सब कोई। अंजिल कहे ईसा का बुजुर्ग आए के करसी। बाइबल कहते कि ईसा सबसे बड़े, वही सबको मुक्ति दिलाएंगे। यहूदी कहते मूसा सबसे बड़े, वही मुक्ति दिलाएंगे। ज्योतिष कहे विजय अभिनंद आय के करसी। लेकिन हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप सबसे बड़े, वही आकर के मुक्ति दिलाएंगे। कुरान कहता है कि मोहम्मद साहब आके शिफायत करेंगे, इमाम मेहदी आकर के दज्जाल को मारेंगे। ध्यान समझिए, खुदा के आने का वर्णन नहीं लिखा कहीं भी, लेकिन लिखा क्या है, बेशक तुम दीदार करोगे अल्लाह का कयामत के समय। खुदा न्याय के तख्त पे विराजमान होगा, सबका न्याय करेगा, ऐसा लिखा है। उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इमाम मेहदी का हृदय ही, महामती जी का हृदय ही खुदा का न्याय रूपी तख्त है। महामती जी के हृदय में विराजमान होकर के ज्ञान के द्वारा सबका न्याय कर रहे हैं, और दूसरा जोश की शक्ति के द्वारा न्याय करेंगे, तब सबकी करनी सबके चेहरे पर आ जाएगी। जोश देना हादी का छिपने या जीत या तो वो दूसरा न्याय जब होगा, वो भी ऐसे कोई तख्त पे बैठ करके लाइन से एक एक करके आते जाओ, हाँ तुमने क्या अच्छा कर्म किया है, तुमने क्या खराब कर्म किया, गवाही लाओ, गवाही सुनाओ, जन्म जन्मांतर लग जाएगा ऐसे तो न्याय करने में। हाँ कितने सारी पीढ़ी हो गई, आज जो है 8 अरब लोग हैं, उसके पहले पीढ़ी में कितने लोग थे, उसकी पिछली पीढ़ी, सबका एक एक करके न्याय करेंगे, वैसा न्याय नहीं होने वाला। महामती जी का हृदय ही न्याय का तख्त है, जिसमें विराजमान होकर के स्वयं अल्लाह ताला अपने अविष्ट रूप से विराजमान होकर न्याय कर रहे हैं। अंदर महल जाहिर कहर, ए भाई मोहम्मद की सिद्ध, बाहर से कहर और अंदर से महर, ये प्राणनाथ जी की पहचान। मीठी मीठी बातें करने से पेट नहीं भरता है, भरता है क्या बता, कड़वे दवाई जरूरी होता है, इम्यूनिटी बढ़ाना है तो कड़वा दवाई पीना पड़ेगा, नहीं तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। कड़वा चीज ही अमृत है, आज के समय में मीठे चीज को लोग अमृत समझते हैं। कीड़ा किसमें लगता है बताओ, चलो मीठे में लगता है कि कड़वा में लगता है, कहीं भी कीड़ा रखो, मीठा सामान रखो, कीड़े पहुंच जाएंगे वहां पर। पेट में भी मीठा खाएंगे पेट में भी कीड़ा हो जाता है, हाँ मीठा खाएंगे दांत में कीड़े हो जाते हैं, और कड़वा खाओ सब भाग आए, भागो भागो कड़वा चीज है, कीड़े भी भागते हैं। सम्मान विष है, अपमान अमृत है, ग्रंथों में लिखा, अपने मन से नहीं बोल रहा हूं मैं। सुख जो है वो विष है, दुख ही अमृत है। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को,
प्राणनाथ जी के ईमान लाने वाले जो भी हैं, आप ऐसा सोचते हो कि संसार में सुख मिलेगा प्राणनाथ जी के चरणों में आने से, तो ऐसा कोई धर्म संप्रदाय नहीं है संसार में कि जिस संप्रदाय या धर्म में शामिल होने से बीमारी ना होती हो, बुढ़ापा ना आता हो, मृत्यु ना होती हो, ऐसा कोई संप्रदाय हो तो बताओ, मैं भी आ जाऊंगा उसमें। बढ़ते बढ़ते बढ़िया आम आए बीच दिन, इस प्रकार ज्ञान का प्रचार प्रसार होते होते आम लोग, आम पब्लिक, ज्यादा से ज्यादा आम खलक प्राणनाथ जी के चरणों में आते गए और जनसंख्या बढ़ता गया। प्राणनाथ जी के चरणों में आने वाले अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। ग्यारह से साल लोग बढ़ा दीन इस्लाम, 1100 साल पहले से ही कह दिया था कुरान ने, उसके अनुसार सब होता जा रहा है। किया था वायदा 300 हक फिर आवेंगे, तीन ठाम फिर से आएंगे करके। ध्यान से सुनो भाई, मोहम्मद साहब ने क्या कहा, खुदा ताला आखिरत में आएंगे। तो क्या उनके अंदर खुदा ताला नहीं है? नहीं है। आप पांच बेर हम वास्ते क्यों कर सागर में डालिया, पांच बार हमारे लिए राजी महाराज ने अपने आप को भव सागर में डाला। पांच बार में क्या हो गया, ब्रजरास अरब देवचंद जी मेरा ठाकुर हुआ कि नहीं हुआ? फिर ब्रजरास खेल के आए बरा रब श्याम, तो फिर राजी नहीं है तो फिर क्यों शाम कह रहे? तो जो है स्वयं राजी है लेकिन लीला के कारण वो रसूल कहला रहे। रसूल तो वाणी में देखेंगे, प्राणनाथ जी को भी रसूल कई जगह कह दिया, श्यामा जी को रूहुल्लाह को भी रसूल कह दिया है। मेरी तीन सूरत को पहचानियो, अब तुम क्या कर, मेरी तीन सूरतों को, प्राणनाथ जी कह रहे मेरी तीन सूरतों को पहचानना तुम। शुक्राना प्रकरण कौन कह रहा है सुंदर साथ, प्राणनाथ जी कह रहे मेरी तीन सूरतों को पहचानियो तुम। तीन मोहम्मद बना दिया, तीन मोहम्मद नहीं है, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए तीन बेर, तीन बार आए दुनिया में। तीन बार आना और तीन लोगों का आना दो अलग अलग बात है। बसरी महल की है कि तुम्हें दिखावे हम, बसरी महल की है कि कहीं मोहम्मद तीन सूरत, तीन सूरत है। तीन सूरत कहने का कारण क्या है, कुरान में लिखा कि मोहम्मद ही शिफायत करेंगे, तो हकी सूरत के रूप में वही शिफायत कर रहे हैं। और भी देखेंगे ग्रंथों में प्रमाण अलग अलग जगह से देखेंगे, कोई जल्दी नहीं, दो मिनट लगता दो चौपाई बोलने। अव्वल से आखिर लग कहिया नूर बढ़ता नबी का, अरब से लेकर के आखिरी ने प्राणनाथ जी तक एक ही मोहम्मद, लेकिन उनका नूर शक्ति बढ़ते जा रही है। यहां पर पांच शक्ति हो गई, वहां पर दो शक्ति, शक्ति ही तो बड़ी, तो शक्ति बढ़ने घटने से क्या राज्य होना नहीं होना सिद्ध होता है? क्या अरब में दो शक्ति थी तो क्या राज्य नहीं थे वहां पे? ब्रजलीला रासलीला में भी तो राज्य थे ना। तो फिर क्या कहते हैं, देखिए, मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते पीछे कूच किया धुनी से, सो भाइयों आगे नजुम आए खोलो मेरा मैं। मैंने सांकेतिक वचन कहा और दुनिया से चला गया, उन सांकेतिक वचनों के अर्थ मैं ही आकर के बताऊंगा मेरे मोमिन भाइयों के सामने, मेरा नजुम खोलो मैं। मैं नजुम कहिया भाइयों वास्ते कुछ किया दुनिया से, चला गया दुनिया से, सो भाइयों आगे नजुम सांकेतिक वचन मेरी मोमिन भाइयों के आगे आए खोलो मेरा मैं। मेरे कुछ नजुमी कोई ना है, मेरा नजुम खुले मुझसे, मेरा नजुम मुझसे ही खुलेगा। गिरो रब्बानी उतरे हम आवे तीन वास्ते, मोहम्मद साहब ने कहा गिरो रब्बानी उतरेगी ब्रह्म सृष्टि की जमात और उनके वास्ते हम आवे तीन वास्ते, मैं दोबारा आऊंगा। उसी प्रकार जो मेरे अंदर परमात्मा की शक्ति है उसके साथ श्यामा जी कह रहे मैं और आवेश शक्ति हम दोबारा आएंगे मेरे मोमिन भाइयों के वास्ते। अक्षर ब्रह्म क्या चिंता करेगा बताओ, उनको क्या लेने देना अक्षर ब्रह्म को चिंता करने का। हम मेराज में गए, मोहम्मद किरु मेराज में गए ना दर्शन के लिए, तो क्या कहा वहां पर, मोतियों के मुंह में ताला देख, ब्रह्म सृष्टियों के चेहरे पे फरामोशी देखा, क्या तेरी उम्मत ने गुनाह किया। मोहम्मद को क्या कह रहे, तेरी उम्मत ने गुनाह किया। अक्षर की आत्म है तो उसको कहेंगे तेरी उम्मत ने गुनाह किया, श्यामा जी को आत्म को कहेंगे तेरी उम्मत ने गुनाह किया।
धर्म सृष्टियां किसकी उम्मत है? श्यामा जी की तो उम्मत है ना। फिर क्या कहे, इनकी कुंजी तेरा दिल, खुले खुल जब आओ दिल। ब्रह्म आत्माओं के जागृति का चाबी किसका दिल है? श्यामा जी के दिल है कि अक्षर का दिल? एक एक बात जो है विचार करेंगे, एक बात को छिपाने के लिए 10 जगह हेरा फेरी करना पड़ेगा, उससे अच्छा शुरू से ही सच बात बोलो क्यों नहीं। तुम उम्मीदवार तिनके तुम पहचानियो मुझे। मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम उसका उम्मीदवार रहना, मैं दोबारा आऊंगा तो मुझे पहचान लेना। तन से नहीं पहचान सकोगे, अंदर से पहचान पाओगे। सातों निशान कयामत के लिखे बीच बात, वहां पर सातों निशान जो कुरान में लिखे थे, मोमिन देखे जाहिर हुए जिनके दिल रोशन, जिनका हृदय में तातम ज्ञान था उसको सारा पहचान हो गया। शोर किया दज्जाल ने नाजल के बखत, जब इमाम मेहदी ईसा और अल्लाह ब्रह्म आत्माएं प्रकट हो रहे थे दुनिया में, दज्जाल कलयुग घबरा गया, अब तो मेरा काल आ गया, मेरा समय खत्म होने आया, लोग मुझे खत्म कर देंगे, माया की शक्ति को खत्म कर देंगे सब मिलकर। इमाम मेहदी ईसा और अल्लाह मोमिन सब मिलके, तब मोमिन मोसर छुड़ाए के पहुंचावे परवरदिगार, मेरे बंध में से मोमिनों को छुड़ा करके परमात्मा की शरण में ले जाएंगे, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। दज्जाल ने सोचा ध्यान से, मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगा, मेरा शक्ति इनसे चलने वाला नहीं है, इस वास्ते छोड़ो चार फौज करो तैयार, चार फौज तैयार करूंगा मैं मोमिनों को भटकाने के लिए, परमात्मा से दूर करने के लिए। किसको भटकाने के लिए? जीव सृष्टि को नहीं, मोमिनों की बात चल रही है। मोमिनों को भटकाने के लिए, माया में उलझाने के लिए चार शक्ति तैयार करते हैं। एक बेईमान औरत, औरत नहीं का बेईमान औरत का, बेईमान औरत आज लोगों को जो है सब देखते हैं टीवी में फिल्मों में सब जगह जो अश्लीलता के द्वारा सबको भ्रमित कर रहे हैं। दूसरा बाजे बजावन हार, बाजे म्यूजिक संगीत, अब इधर म्यूजिक संगीत बजने लगे छोड़ के सब भाग, ध्यान तुरंत आकर्षित होता संगीत की तरफ, फिल्मी गाने तो संगीत की तोड़ भी संगीत है, तो भजन सुनो उसके बदले में। संगीत जो है देखिए एक प्रवाह होता है, उसी एक ही संगीत में गाने बने, उसी संगीत में भजन बने, तो भजन भी अच्छा लगेगा गाना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उससे भजन या गाने से मतलब नहीं था, संगीत से मतलब था। अच्छा संगीत जो है वो आकर्षित करता है, तो हमको वो अच्छा चाहिए। राज्य का भजन सुने, राज्य का कीर्तन सुने। तीसरे पढ़ने वाले इलम के, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं है, दुनिया की बात चल रही है, जो दुनिया में इंजीनियर डॉक्टर बड़े बड़े वैज्ञानिक विद्वान होते हैं ना, उनके लिए दृष्टांत आता है। एक बार तीन विद्वान एक गांव में भ्रमण करने गुजर रहे थे, तो देखा नदी में एक नाविक बैठा है नाव लेकर, तो बोले चलो नौका विहार करते हैं। तीनों बड़े अच्छे बुद्धिजीवी थे, पर्सनालिटी वाले और धनाढ्य थे, तीनों नाव में बैठ गए। नाविक से पूछा कितना लगेगा, बोले 2 रुपया लगेगा। अरे हमसे 200 मांगता तो भी देते, बुद्धू आदमी, 2 में अटके गांव वाले, आज भी 2 में बेचते हैं, शहर वाले उससे 200 कमाते हैं। किसान गरीब का गरीब रह जाता, लेकिन जो मीडिएटर और खरीदने बेचने वाले वो लखपति बन जाते हैं, ठीक है नहीं। अब सुनो ध्यान से, जो दृष्टांत था, तीनों विद्वान नाव में बैठ गए, नाविक उनको नौका विहार करा रहा है। अब नाविक कैसा था, गांव का गवार अनपढ़ बुद्धू जैसा आदमी था, तो तीनों देखकर कहते हैं बुद्धू आदमी, इसका जीवन ही बेकार है। सोचते हैं अभी कंप्यूटर का नाम सुना है, कंप्यूटर स्मार्टफोन इंटरनेट, तो क्या होते बाबू, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, तुम्हारा तो 1/4 जीवन खराब चला गया। दूसरा पूछता है, अमिताभ बच्चन का नाम सुना है, सचिन तेंदुलकर अमिताभ बच्चन ऐसे बड़े बड़े कलाकार है, टीवी भी है कि नहीं करके, लेकिन नहीं सुना कभी भी नाम, तुम्हारा आधा जीवन खराब। तीसरा पूछता, अमेरिका का नाम सुना है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा नहीं सुना नाम, मैं तो अपने गांव का ही नाम मालूम और देश में कौन कौन से राज्य वो भी नहीं मालूम, तुम्हारा 3/4 जीवन बेकार हो गया, खराब हो गया। अब इतने में नाव में छेद हो जाता है, नाव में पानी भरने लगता है, इससे नाव
डूबने लगता है, नाविक की बारी। अब आप लोगों को तैरना आता है कि नहीं आता है? अरे हमको तैरना नहीं आता है, आप लोग का पूरा जीवन खराब। मरते समय यम के दूत आएंगे तहां में, अमिताभ बच्चन में, सिकंदर में, धीरूभाई अंबानी में, डॉक्टर इतना बड़ा, मैं वैज्ञानिक, यम के दूत को इससे कोई फर्क पड़ता है? वो तो पूछेगा आपने कितना अच्छा काम किया है। बोले कोई भी हो, अच्छा काम किया है आपने तो आप बड़े हैं उसकी नजर में। दुनिया में कभी अच्छा काम नहीं किया तो यम के दूत की दृष्टि में आपका कोई वैल्यू नहीं है। भले कितने भी करोड़पति हो, दुनिया में कितने प्रतिष्ठित रहे हो, लेकिन अच्छा काम किया है यदि आपने, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इसने अच्छा काम किया है उसको अच्छे का फल अवश्य मिलता है। मरते समय क्या काम आता है? किए हुए अच्छे कर्म काम आते हैं। प्राप्त किया हुआ ज्ञान आपके काम आएगा अंतिम समय में, किया हुआ ध्यान आपके काम में आएगा। तो ये दुनिया का चतुराई जो है, आप देखेंगे बड़े बड़े ज्ञानी अहंकार में बैठे रहते और अनपढ़ सुंदर साथ को भी वाणी समझ में आ जाती है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को समझ में आती नहीं। चौथे जादूगर होशियार, टोना टोटका वाले, ये माया का पूरा होशियार टोटका कर दिया है। अरे धामधनी के चरणों में आओ, गीतक में सुना लाभानंद यति का प्रसंग, सुना अच्छे से, धामधनी के प्रति पूर्ण विश्वास रखो कि धामधनी रक्षा करेंगे हमारी। आना पड़ेगा राज जी को रक्षा करने के लिए। और डावाडोल हृदय, कभी इधर का खा लिया कभी उधर चले गए, कभी देवी का भी पूजा कर लिए कभी उसका भी कर लिए, फिर बाद में राज जी को दोष क्यों देते हो? पक्का ईमान होना चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। पंच वासना सब देव खड़े, तहां मंत्र चले क्यों और? अब ये तो दज्जाल की शक्ति थी, ब्रह्म सृष्टि को भी दो शक्ति दिया है। ध्यान से लगा सुर फूकने अश्राफिन, जागृत बुद्धि की शक्ति प्रदान किया है, जागृत बुद्धि सत्य असत्य की समझ प्रदान किया है। निगाहबानी जबराइल करी ऊपर रोहन, जबराइल ने जोश की शक्ति प्रदान किया है, जिस जोश की शक्ति से आत्मबल होता है। ब्रज से गोपियां रास में बांसुरी की आवाज सुन के भागी थी ना, अपने बल पर नहीं भागी थी, जोश की शक्ति की सहायता से भागी थी। आज भी बिना जोश की शक्ति के कोई एक कदम आगे चल सकता नहीं है। यदि कोई धामधनी की चर्चा सुन रहा है तो वो भी धामधनी के जोश की शक्ति के बिना नहीं आ सकता सुनने के लिए, क्यों? माया को एक कदम भी छोड़ना है तो राज जी की शक्ति के बिना संभव नहीं है। देखिए सारी दुनिया माया में डूबी हुई है, बिना राज जी की कृपा के, राज जी की शक्ति के बिना कोई कुछ कर सकता नहीं है। हमारे सामने टीवी चल रहा है, सुंदर लड़की खड़ी है, चाहे कोई भी माया का आकर्षण है, पैसे का आकर्षण है, जो उसकी शक्ति है, अब साधु के समान सीधे देखते हुए निकल जाओगे। गोविंद भेड़ा मंडल आपको आकर्षित कर सकता है नहीं है, सीधा देखते हुए निकल जाओगे राज जी की तरफ। और जो उसकी शक्ति नहीं है, ज्ञान तो प्राप्त किया फिर भी जो उसकी शक्ति नहीं है, आपका मन आकर्षित होता रहेगा। गोविंद भेड़ा मंडल, संसारिक सुखों की तरफ आपका मन आकर्षित होता रहेगा। इसलिए धामधनी के जोश की शक्ति अत्यंत आवश्यक होती है। शरीयत के सिरे से लिखे वसीयतनामे चार, अभी आप बता रहे दिल्ली में जब इतना कष्ट हुआ, अब कहते तक दिल्ली में हमारे पर कष्ट हो गया कि औरंगजेब कितना भी और उनके दरबारियों ने कितना भी कोशिश किया, लेकिन एक लिमिट के अंदर ही आपके ऊपर कष्ट हुआ, उससे ज्यादा कष्ट होने पाया नहीं, पहली बात। दूसरा, आपकी सहायता के लिए मैंने मदीने से चार वसीयतनामा भिजवाया, वसीयतनामा मदीने से भिजवाया और मक्का से भी संदेश आया दूसरा कि वहां पर दो मीनारे जो गिर गई थी, अब पांचों तत्व तो पुकार ही आई रोड़े बीच आवाज, वहां से चार वसीयतनामे आए और वहां से संदेश आया कि इमाम मेहदी जाहिर हो चुके हैं हिंद में, फिर भी धोए डारे सबन। पता नहीं, ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। वसीयतनामे में क्या लिखा है? खादिम, मदीने का जो खादिम था, रोजे पाक का सेवक शेख महमूद, शेख साले और तीसरा एक था अहमद करके कुछ महमूद, तीनों ने क्या लिखा है? यदि हमने एक गलत लिखा, झूठ लिखा है तो हमको दो जख मिले लिखा उसमें, और हमारी बात को जो गलत समझ रहा है, झूठ समझ रहा है, या इस हमारी वसीयतनामे को जो ढापने का प्रयास कर रहा है, उसका मुख स्याह हो गए न्याय के दिन। इतना कठिन शब्द लिखा हुआ वसीयतनामे के आखिर में,
इसलिए वो वसीयतनामा आज भी उपलब्ध है, लेकिन उसका अर्थ कोई समझ पाता नहीं है। इस प्रकार जब बताते हैं उदयपुर में जब आए वहां से भी मैंने तुमको सुरक्षित निकाल लिया, मंदसौर में आए वहां पर मैंने तुमको किस प्रकार भिक्षा तो मांगना पड़ा, लेकिन वो तुम्हारे निर्मलता के लिए वो किया था मैंने, तुमको दुखी करने के लिए नहीं, हृदय की निर्मलता करने के लिए। जब सुल्तान ने सुनी दोला तरफ ईमान, जब औरंगजेब बादशाह सुना उसने ईमान के तरफ दौड़ा, प्रयास किया कि मैं बात करूं मोमिनों से, लेकिन क्या हुआ, दज्जाल आड़े आए के भान दई पहचान, दज्जाल बीच में आ गए काजी मौलवी, संशय में डाल दिया कि दुश्मन ने तो नहीं भेजा है, अकेले बात करना उचित नहीं है, बस बसा करने लगा ऊपर छाती के, दज्जाल मन में आ गया, छाती है ना, मन में हृदय में आ गया, छूटत तुमसे साहिबी क्यों मानत हो, तुमसे साहिबी छूट जाएगा, दिल्ली के बादशाह हो तुम, साहिबी छोड़ना पड़ेगा यदि तुम उनके चरणों में जाओगे, तुम्हारे दरबारी काजी मौलवी सब जो है कहीं तुमको ही ना मरवा दे, तुम्हारे दरबारी मेरे ताबे रहोगे तो करो पातशाही, तुम अधीन रहोगे तो ऐश करो दुनिया में। हदीसों में एक कथानक आता है कि दज्जाल जब आएगा उसके दोनों हाथ में दो वस्तुएं होंगी, ध्यान से समझिएगा चीज, एक हाथ में आग होगा और एक हाथ में पानी, वाणी में छुपाई आता है, एक आग है जलती पाए लई सुख मान, आग क्या है दुनिया के तमाम दुख, पानी क्या है दुनिया के तमाम सुख, तो जो दज्जाल का कहना मानेगा उसको पानी देगा दुनिया का सुख देगा, और जो दज्जाल का कहना नहीं मानेगा उसको दुनिया में दुख देगा, लेकिन क्या लिखा है, देखने में तो वो आग में जल रहा है लेकिन अंदर से वो सबसे ज्यादा शांति में होगा, और जो देखने में पानी में है यानी कि सुख में है, अंदर से सबसे ज्यादा दुख में वही रहता है। आज भी देखो जितना ज्यादा धन उतना ज्यादा टेंशन, उतना ज्यादा चिंता, उतना ज्यादा दुख, मेरे ताबे रहोगे तो करो पातशाही तुम, दज्जाल कहते मेरे अधीन रहोगे तो आराम से ऐश करो, दज्जाल कौन है, दरबारी पंडित, कहते हैं कि उस फकीर के चक्कर में जाओगे तो आप बादशाह नहीं रह पाओगे, बादशाह छोड़ना पड़ेगा आपको, सिर्फ गुरु चाहे तो भी नहीं बदल सकता है, शिष्य के पीछे फॉलोवर है, औरंगजेब के सहायक लोग हैं, औरंगजेब आ जाएगा प्राणनाथ जी के चरणों में तो पीछे जो सपोर्टर है, सेनापति है, दरबारी है, काजी है, वो लोग थोड़ी आ जाएंगे, वो औरंगजेब के ही विरोध में हो जाएंगे, ये समस्या थी यहाँ पर। यहाँ से जाओ भाग के, ना तो कैद में करो तुम दज्जाल ने, मोमिनों को क्या कहा, यहाँ से जाओ भाग के चुपचाप रहो, ये तो तुमको और प्रताड़ित किया जाएगा, मोमिन डरे थे उनसे ताबे हुए हक हुकम, इस प्रकार उनको वहां पर समझौता करना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। और यहाँ से जब आगे आए उदयपुर आए पहुंचे, दिया राणे को पैगाम, वहां पर राणा को संदेश दिया, लेकिन वहां पर वो सुना नहीं, नुकसान किसका हुआ, पीछे सुल्तान आए कि मार उठाया तीन राणा को मार दिया उसने, और सुंदर साथ सब सुरक्षित निकल गए, मंदसौर में भी ऐसे ही सब सुरक्षित निकल गए, औरंगाबाद में हर जगह धामधनी रक्षा किया कि नहीं किया, तो फिर डाउट क्यों होता है कि सुंदर साथ धामधनी पता नहीं है कि नहीं है, हम ब्रह्म सृष्टि है कि नहीं है, और ये प्राणनाथ है कि नहीं है। तो इस प्रकार जो ये शुक्राना का प्रकरण सुनाते हैं और एक दृष्टांत लास्ट में देते हैं मूसा पैगंबर का, दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गरक, मैंने तुमको जो है कुलजम दिया, ये तारतम ज्ञान दिया मैंने, किस प्रकार, जिस प्रकार मूसा पैगंबर को वहां पर छड़ी दिया था, जब फिरौन की सेना पीछे पड़ी थी, मूसा और उनके लोग भाग रहे थे पीछे से, औरंगजेब फिरौन की सेना उनके ऊपर हमला करने के लिए पीछे पीछे आ रही थी, तो अचानक सामने लाल समुद्र आ गया, फंस गए आगे समुद्र पीछे फिरौन की सेना, अब क्या करेंगे बोले, ये देखिए मुसीबत की बात करें ना, मुसीबत में ऐसा फंस जाते हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं रहती, प्राणनाथ जी की कृपा कहीं पर भी आ जाती है, सर्वशक्तिमान है, हर बड़े से बड़ी मुसीबत से निकाल लेते हैं। लाल समुद्र दो भाग में बढ़ गया, अब ध्यान से मूसा के आदमी तो निकल गए
और पीछे पीछे फिरौन की सेना जैसे उसमें प्रवेश करती है पानी वापस मिल जाता, सारी सेना गर्क हो गई। तुमको दिया मैं कुलजम, कुलजम समुद्र है, ज्ञान का सागर है, तुमको दिया है मैंने ज्ञान का सागर, इनको किया गर्क। फिरौन की सेना को गर्क कर दिया इन्हें, काफिर लोग जो प्राणनाथ जी का विरोध करते हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं है वो माया में डूब जाने वाले, नष्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी शक, प्राणनाथ जी की वाणी पढ़िए तो प्राणनाथ जी के प्रति जो भी शक है दूर हो जाएगा, सारा संशय दूर हो जाएगा। प्राणनाथ जी या राजी महाराज कृपा नहीं करते हैं वो भी शक दूर हो जाएगा, परम धाम है कि नहीं है। हम जो वाणी मंथन करना बंद कर देते हैं तो हमारे मन में तमाम संशय आ जाते हैं। सत्संग में जाना बंद कर दिया, वाणी पढ़ना बंद कर दिया, शिविर सत्संग सुनना बंद कर दिया, आपस में मिलना जुलना सुंदर साथ से बंद कर दिया, धीरे धीरे बैटरी डाउन, विश्वास कमजोर, ज्ञान कमजोर, प्रेम कमजोर। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो कर ही नित्य पाठ, अहिनिश जुगल स्वरूप सो खेले सातो घाट। रोज वाणी पढ़ने वाला रोज राज्य के अनंत सुख प्राप्त करता है। वाणी पढ़ना एक महान यज्ञ भी है, दुनिया के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। बंदा करे मेरी जिक्र तो मैं करो बंदों की फिक्र, मेरी जिक्र करो, कोई भी समस्या है दुख है मुसीबत है वाणी का पाठ करिए, तुरंत राज्य का ध्यान करिए। पर क्या था, बहुत ज्यादा व्याकुलता में बेचैनी में दुख में ध्यान नहीं हो पाता है, तो वाणी का पाठ करिए कम से कम, ध्यान करे तो और अच्छा। तो क्या होगा, बंदा करे मेरी जिक्र तो मैं करो बंदों की फिक्र, सारा दुख राजी दूर कर देंगे। मुसीबत सुंदर साथ ने इतना कष्ट सहन करके हमको दिखाया, हमको तो उसकी तुलना में दसवां हिस्सा भी दुख नहीं है वास्तव में, विचार करें। सुंदर साथ को जो कष्ट हुआ औरंगजेब के कैद में, जाएंगे तो हम तो सब कुछ उगल देंगे, वो तो प्राणनाथ जी का ठिकाना नहीं बताया उन्होंने, हम सारा उगल दें ऐसा, अपनी गलती स्वीकार कर ले, हाँ हम गलती कर रहे थे, हम दीन इस्लाम कबूल कर लेते। तलवार के मृत्यु के डर से इतना ईमान हमारा कमजोर है, लेकिन सच्चे ईमान वाले भी हैं हमारे बीच में, विश्वास वाले सुंदर साथ भी हैं, तो वैसा होना पड़ेगा। दुनिया में कोई दुख आया तो प्राणनाथ जी के चरणों में जब से आए हैं निजानंद संप्रदाय में, तब से दुख बहुत आता है। मैं देवी का पूजा नहीं किए, माता का पूजा नहीं किए, गणेश जी का हनुमान जी का पूजा नहीं किए, इस कारण दुख आ रहा है। आएंगे घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी तो बोलेंगे पड़ोसी वाले निजानंद वाले इसलिए इनके घर में मृत्यु हो गई, तो तुम्हारे घर में मृत्यु नहीं हुई है कभी, हाँ? क्या किडनी का फेलियर किसी का नहीं हुआ आज तक? आज देखो तो इंटरनेट में सर्च करो, 20 से 40 साल की उम्र में कितने ज्यादा किडनी फेलियर हो रहे हैं, हार्ट फेलियर हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। जो बीमारियां 60 साल में भी नहीं आती थी 20 से 30 साल में सारी बीमारियां आ रही हैं। इसमें किसी धर्म संप्रदाय की बात नहीं, भौतिकवाद की वजह से हो रहा है। संयमित जीवन नहीं है, बस जिभ्या का स्वाद चटपटा चटकारे चटकारे चटकारे, बस पानी पूरी कचौड़ी और पिज्जा बर्गर में डूबे हुए सारे। स्वादिष्ट भोजन मुंह में स्वादिष्ट और पेट में जाकर के एसिडिटी बन जाता है। मुंह में तो अच्छा लगता है, कितना देर अच्छा लगता है, जितना देर खा रहे हैं, और गले से जैसे नीचे उतरा फिर बोलते हैं ना, आज सुबह मैंने मिठाई खाया था अभी तक मजा आ रहा है, अभी तक सजा आ रहा है ना, पूरी कचौड़ी खाया था सुबह में खाते समय तो मजा आया था, लेकिन तब से एसिडिटी हो गया, खट्टे डकार आ रहे हैं, गैस बन रहा पेट में। 10 मिनट का खाने का सुख और 10 घंटे का पचाने का कष्ट, अभी पचता नहीं है, वर्षों तक वो दुख प्रदान करते हैं। धाम धनी की कृपा ये नहीं है कि आप खुद भी मनमानी करो और धाम धनी आपका सारा दुख दूर कर दे, आप धाम धनी का कहना नहीं मानो और राजी कैसे दुख दूर करेंगे? जो खाओगे तो बीमार तो पड़ोगे ना, इसमें राज्य का क्या मतलब है या परमात्मा क्या मतलब,
भोग में रोग तो आने वाला है। बोलेंगे तो राज जी ने दुख दे दिया, राज जी ने खुद तुमने दिया है। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख तो दुख तुमसे भागसी। जो चाहत है सुख को आखिर तिन में दुख समझ लो। राज जी देखिए दुख की जिमी में बैठ के दुख ना कहूं देख तो बस लास्ट चुपाई समझी। बात बड़ी है मेहर की जो दुख में सुख ले। दुख की जीवन में दुख नहीं होता, इसका मतलब क्या है? हम संयमित जीवन जिएंगे, खान पीन में अच्छा पौष्टिक चीजें खाइए, नुकसानकारक चीजें नहीं खाएंगे तो शारीरिक दुख कम हो जाएगा आपका, पहला ठीक है। संसार में ज्यादा दिल नहीं लगाएंगे तो मानसिक दुख कम हो जाएगा, ज्यादा इच्छाएं आशा तृष्णा नहीं रखेंगे तो मानसिक दुख कम हो जाएगा। वाणी मंथन करेंगे, चितवनी करेंगे, आत्मा का सुख प्राप्त होगा। तो दुख की जीवी में बैठ के राज्य का सुख प्राप्त करेंगे, यह है राज्य की मेहर। राज्य की मेहर कोई जादू नहीं है कि हम कुछ भी करें अलग धाम धाई तो लई जैसे, इसको लई जैसे। बीमारी का दुख सहन करना पड़ रहा है और पड़ेगा। संसार में संयमित जीवन नहीं जिएंगे तो दुख तो उठाना पड़ेगा, इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकते, राज्य के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि राज्य सब संभाल लेंगे। राज्य कैसे संभालेंगे? जो कर्म किया उसका फल भुगतना पड़ेगा। जब लग भूली नींद में तब लग नाही दोष, जब जागी हकील में तब भूली सिर अफसोस। इसलिए कहते श्री महामत के मोमिनो शुक्राना लियाओ बुझाए, राज्य का शुक्र गुजार करो, राज्य की अपार कृपा को पहचानो। कृपा का पहचान कराया है मेहर सागर के प्रकरण में। दज्जाल से लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए, किस प्रकार आपकी रक्षा किया, जगह जगह दीप अंदर में देखेंगे चुगलखोर का मित्र बन करके आ गए, अरब में अरब के रूप में दर्शन दिया और जामनगर में भी चुगलखोर लेकर के आया था, सैनिकों को रात भर चक्कर लगाते रहे कुएं के चारों तरफ। ऐसे सैकड़ों प्रसंग हमारे जीवन में भी आते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि कौन आया था मदद करके चला गया। तो राज्य की मेहर को पहचानो और राज्य से अपने दिल का प्यार प्रकट करो कि राज्य कितना प्यार हमसे करते हैं और हम उनके तरफ ध्यान देते नहीं है। और चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी, श्री महामत कहे मोमिनो शुक्राना लियाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाई और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए।